टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको द मॉर्निंग स्टार के एक शानदार शो में खुश आमदेद कहते हैं। आज जुम्मे का दिन है और आप सबको जुम्मा तुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी सारी इबादतें आज कबूल फरमाए। गुड मॉर्निंग शेफ मुनीजा, किन सोचों में गुम है आज आप? क्या सोच रही हैं कि आज मैं किस तरह बेवकूफ़ बनाऊँ? माइक नहीं लगाया आपने आज? कर ले मेकअप कर ले। शेफ मुनीजा वेट कर रही होती है रोज़ाना सुबह कि अब मैं सेट पे अपना मेकअप कैसे करूं। खवातीन और आज़ाद, अपने आप को अच्छा रखना, अच्छा महसूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी वो चीज़, कोई भी वो कदम, कोई भी वो स्टेप जो कि आपको आपकी खुद एतमादी में बढ़ावा देता है, आप बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है आपका वो बढ़ता है, आप बहुत ज़्यादा एतमाद आप में अगर आता है तो वो कदम आप ज़रूर उठाइए। और बहुत सारे लोग हैं अगर वो मुखालफत ये करते हो आपकी ज़िंदगी में कि यार ये करोगी या पागल हो गई हो, तुम्हारी ये उम्र है, ये अच्छा नहीं लगता, वो अच्छा नहीं लगता, इन बातों को रद्द कर दीजिए। आप बेहतरीन जज हैं, आप एक बाशऊर इंसान हैं, आप अपने इर्द गिर्द के जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जो लोग हैं, जिस तरह की दुनिया चल रही है, ऑफकोर्स आप बाखबर रहते हैं और आपको पता होता है कि क्या चीज़ें चल रही हैं, कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, कौन से ट्रेंड्स हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, आप पे अच्छे लगेंगे। और कोई भी ऐसा ट्रेंड या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपकी खूबसूरती में, आपके कॉन्फिडेंस में, आपके हुनर में, आपकी तालीम में, आपके शऊर में इजाफा हो रहा हो, तो वो चीज़ अपनाने में कोई भी किसी भी किस्म का मुजायका नहीं होना चाहिए। आपको बड़ा कॉन्फिडेंटली वो चीज़ें अपनानी चाहिए। ख़वातीन और आज़ाद, हमारे जो बच्चे हैं वो हमारे मुल्क का असासा है, वो एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर जो कि आपको आपके मुल्क की तरफ लेके जाती है। आपको ये बच्चे बेहतरीन शहरियों के तौर पे, सेहतमंद शहरियों के तौर पे अपने मुल्क को देने हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके बच्चे हैं और आप पे बहुत एक आपके ऊपर एक जिम्मेदारी है कि आप उनकी सेहत का, उनकी वेलबींग का ख्याल रखिए। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों की सीवेज लाइन्स में पोलियो का वायरस डिटेक्ट हुआ है, आपके घरों पे पोलियो की टीम आ रही है। तो अगर आपके घरों में 5 साल से कम उम्र बच्चे हों तो आपको बहुत ही कॉन्शियसली उनको पोलियो के कतरे पिलाने हैं, उनको पोलियो के टीके लगवाने हैं, क्योंकि पोलियो एक ऐसा मर्ज़ है जो कभी भी स्ट्राइक कर सकता है और एक छोटे बच्चे की पूरी ज़िंदगी इम्पैक्ट कर सकता है। बहुत सारी प्रीकंसीव्ड नोशंस होते हैं हमारे दिमाग में कि पोलियो के ख़तरों से खुदा न खासा कुछ एक गलत अफेक्ट आपकी ज़िंदगी पे ना हो जाए। तो एक हेल्पलाइन है 1166 जिस पर आप कॉल करके जो भी आपके दिमाग में सवालात हो वो आप जान सकते हैं। शेफ मुनीजा, आई होप आप ये कॉन्शियसली काम कर रही हो कि आप ये, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने भी लोग हमारा शो देख रहे हैं, जितने भी लोग हमारे शो का हिस्सा हैं, ये जो भी जिन लोगों तक इस बात की आगाही पहुँचती है उनको बड़ा कॉन्शियसली आपके अगर इर्द गिर्द बच्चे तो आपको पता करनी चाहिए ये बात। नहीं बिल्कुल, और मैं तो अपने बच्चों को टाइमली जो है वो पिलवा देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये चीज़ कभी हमारे दिमाग में नहीं आई, लेकिन हमारे व्यूअर्स को बिल्कुल अपने दिमाग में लानी चाहिए और उसको कॉन्शियसली करना चाहिए। अपने बच्चों को पोलियो के ड्रॉप्स आप लाजिम जो है वो पिलवाइए। और एक और चीज़ जो हमने कल के शो में भी आपको बताई थी कि आपके बच्चे, उनके जो दोस्त हैं, वो अगर बच्चे जिन बच्चों के साथ खेल कूद करते हैं, बाहर जाते हैं, वो बच्चे भी अगर आपको उनका भी खबर रखनी चाहिए कि क्या पता उनके वालदैन ने उनको पोलियो के खतरे या पोलियो के जो वैक्सीन है वो लगवाए नहीं लगवाए, क्योंकि अगर वो इफ़ेक्ट होंगे तो आपके बच्चे ऑटोमेटिकली इफ़ेक्ट होंगे, क्योंकि ये जो बीमारी है कंटेजियस है, लग सकती है और एक ख़तरनाक बीमारी है। और आप सबको बहुत ही कॉन्शियसली इसकी तरफ एफर्ट करना चाहिए। पिछले साल सिर्फ एक केस था, इस साल 14 केसेस पाकिस्तान में डिटेक्ट हुए हैं, ये कोई कामयाबी की बात नहीं है, एक बहुत ही लम्हा फिक्रिया है, हमारे बच्चे बड़ा अफेक्ट हो सकते हैं। तो आपको बहुत ही कॉन्शियसली पोलियो इरेडिकेशन की तरफ काम करना पड़ेगा। हमारे साथ एक बहुत ही बड़ी शख्सियत मौजूद है जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, हमारे साथ हैं डॉक्टर हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं डॉक्टर साहब? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, जिस तरह भी मैं बता रहा था कि पोलियो एक ख़तरनाक बीमारी है और पोलियो को
ख़त्म करने में इतने साल हमें लग गए हैं, आपको क्या लगता है क्या वजह है जो हम ओवरकम नहीं कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातुस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वक्त जितना मीडिया अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है, पहले नहीं कर रहा था। आपने चंद हफ्ते पहले भी प्रोग्राम किया था तो मैं आया था। बात यह है कि पोलियो इरेडिकेशन इट्सेल्फ हमारे अपने ख़ानदान के लिए बहुत मुफीद है। अल्लाह ने खूबसूरत बच्चे इसलिए तो नहीं दिए कि हम अपनी गफलत मुजरिमाना से उनको माजूर कर दें। और 57 में से 55 इस्लामिक मुल्क बिला तकल्लुफ कतरे पिलाते हैं, तो दो मुल्कों पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को इस पर हेजिटेट नहीं करना चाहिए। पिछले एक साल पहले तक एक केस था, एक केस भी नहीं था, एक पीरियड था, तो एक दिल को तसल्ली थी कि इंशाल्लाह अन करीब हम ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन अब 14 केसेस के आ जाने के बाद बहुत ज़्यादा तशवीश है, परेशानी है। असल मसला आज मैं आपसे दूसरे एंगल से बात करता हूँ, जो कतरे नहीं पिलाते उनके बारे में बात करता हूँ। आप क्या चाहते हैं? आपकी आंखों के सामने आपके खूबसूरत बच्चे माजूर हो जाएं? पहला सवाल। अभी तो उन्होंने तालीम भी पूरी हासिल नहीं की और पूरी ज़िंदगी वो इसी तरह रहेंगे, उनका कोई इलाज नहीं है। शरीयत ने तो आपके बच्चों की निगहदाश्त, तालीम और तरबियत माँ बाप की जिम्मेदारी के तौर पर दी है। मतलब ये कि आप शरान भी अपनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरे करने वालों में अपना नाम आप लिखवा रहे हैं। फिर इसके बाद शक व शुबे की बात तो जब होती है जब कोई ऐरा गैरा कुछ फतवा दे रहा हो, तो तमाम मकातिब फ़िक्र के जय्यद उलमा को इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में जमा किया और उसमें ऐलान इस्लामाबाद पढ़कर सुनाया गया। वो चूँकि इसमें अंग्रेज़ सहाफ़ी भी थे तो मुझे कहा गया था कि आप इसको पढ़कर सुनाएं और इफ़ देर आर एनी क्वेश्चंस तो यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। तो ये सब चीज़ें जब उलमा ने अपने ज़िम्मे ले ली हैं कि इसमें कोई तौलीदी निज़ाम को डिस्टर्ब करने वाली कोई चीज़ नहीं है, मुजरत रसा कोई चीज़ नहीं है, आप उन्होंने ऐलान किया कि जुबों में भी ऐलान करें, हर अपने प्रोग्राम में जलसे में ऐलान करें, तो मतलब कहने का यह है कि अपनी थोड़ी सी कम फहमी की वजह से इतने देख रहे। कुरान कहता है रासिखून फिल इल्म, जिनको अल्लाह ने इल्म में रसूख अता किया है आप उनसे रहनुमाई हासिल करें। उन्होंने रहनुमाई कर दी उर्दू में, इंग्लिश में, पश्तो में, मुख्तलिफ सिंधी में, तमाम ज़बानों में। ऐलान इस्लामाबाद लाखों की तादाद में छप कर आप तक पहुंच गया, तो फिर आपको हेजिटेट नहीं करना चाहिए। बच्चे घर में होते हैं, अफवाहें उड़ा उड़ा कर ऐसा जहन बना दिया गया है कि माँ बाप उसको रिफ्यूज़ल केस कर देते हैं, मना कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। और यकीनन कोई ये ना समझे कि हम दुनिया को गुजार कर अल्लाह को जवाब देनी है, दे नहीं है। अल्लाह ने कहा है ज़र्रा बराबर नेकी का भी हिसाब रखा जा रहा है और कंप्यूटर से समझा जा सकता है, और ज़र्रा बराबर भी शर की बात को भी नोट किया जा रहा है। अब इसका जवाब देना होगा कि मैंने इंतज़ाम करके तुम्हारे घर पोलियो की टीम को भिजवा दिया था, चाहे वो रोटरी ने भेजा, यूनिसेफ ने मदद की, WHO ने मदद की, फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मदद की, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मदद की, हमने अलमुस्तवा पूरे नेटवर्क से पाकिस्तान भर में ये पैगाम पहुंचाया। तो ये पैगाम तो दरअसल अल्लाह की तरफ से आपके पास पहुंचा है कि आप इन बच्चों को छुपाएं नहीं, इन बच्चों को आप कतरे पिलाएं, तो इंशाल्लाह ताला इसका खात्मा होगा। और ये जो 5-6 जून 2013 को कॉन्फ्रेंस हुई थी, इट वॉज नॉट ओनली बाय अटेंडेड बाय उलमा, आम जय्यद उलमा भी थे, जो माहिरीन फ़िक़्हा थे, जुरिसप्रूडेंट थे वो भी थे, साइंटिस्ट वर देयर, डॉक्टर्स वर देयर। तो आप इन सब लोगों से इस्तफादा करें। और आपके सामने एक चीज़ आ गई, उसमें एक सवाल किया गया था और जवाब मुझे ही देना था कि ये जो पोलियो की वैक्सीन होती है इस पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती, इस पर इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे होते। तो मैंने कहा WHO वालों को कि हर सामने के सामने एक एक आप वैक्सीन रख दें। उन्होंने वैक्सीन रख दी। मैंने कहा आपने पढ़ लिया इस पर एक्सपायरी डेट है? बोला हाँ है।
मैंने कहा इसमें इस इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ लिखे हैं। तो मैंने कहा बगैर पढ़े सोचे समझे नेगेटिव फतवाबाजी देना ठीक नहीं है। और बदकिस्मती से अब ज़्यादा कंसंट्रेशन सूबह सरहद के बाद इलाकों में वज़ीरिस्तान की तरफ ज़्यादा रह गया है, और जो कहीं और से मिलता है वहाँ के लोग जो ट्रेवल करके आते हैं तो वो हमारे यहाँ ऐसी बीमारी छोड़ जाते हैं। जब आसिफ जरदारी प्रेसिडेंट थे और चाइना गए थे तो चाइना के सदर ने कहा कि आपके यहाँ से जो डेलीगेशन आया था उनमें से कुछ कैरियर थे पोलियो के, 21 हमारे आदमी इसमें मर चुके हैं। तो बड़ी शर्मिंदगी की बात है। यूएनओ का इजलास होता है, सारे ममालिक एक तरफ बैठते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग बिठाया जाता है टू गिव देम इम्प्रेशन कि यू आर द टू कल्प्रिट्स हु हैव नॉट येट इरेडिकेटेड पोलियो। तो पोलियो को ख़त्म करें, मेहनत करें, और फिर ये कि हम घर बैठकर या टीवी से प्रोग्राम तक नहीं कर रहे। पिशावर में गया हूँ, नौशेरा गया हूँ, मानशेरा गया हूँ, मानकी शरीफ गया हूँ, क्वेटा गया हूँ, लाहौर गया हूँ, मुल्तान गया हूँ, फैसलाबाद गया हूँ, इस्लामाबाद गया हूँ, और वहाँ की नोट एड्रेस मेरा होता है वो ये समझ कर, ऑल्दो आई एम नॉट आलिम दीन, वो ये समझ कर कि भाई अब इनसे इन लोगों को इम्प्रेस किया जाए, समझाया जाए। तो मैं कहता हूँ कि खुदा के खौफ से डरो, एक बच्चा भी माजूर हुआ तो अल्लाह के सामने तुम्हें जवाब देना होगा। बिल्कुल, उससे बचने का तरीका ये है कि आज कतरे पिलाइए ताकि कल आपका बच्चा माजूर ना हो। बिल्कुल। खवातीन और हज़रात इसी नोट पे लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। एक बहुत ही सीरियस डिस्कशन में हम अभी डॉक्टर साहब के साथ महब हुए हुए थे, अब यही बात कर रहे थे कि पोलियो एक ऐसी बीमारी है जो कि पाकिस्तान से नहीं जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह सिर्फ एक है, वो है वालदैन की गफलत। डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, एक सबसे बड़ा जो अलमिया है, जो एक सबसे बड़ी थॉट है, और एक जो सबसे बड़ा स्केयर है, चाहे वो कोरोना वायरस का वैक्सीन हो, चाहे वो पोलियो के खतरे का वैक्सीन हो, सब लोगों को एक ही खदशा, एक ही डर रहता है कि जो हमारा बच्चा बाप नहीं बन सकेगा इन खतरों के बाद। ये बिल्कुल फजूल बात है। 55 इस्लामी मुल्कों में रोड ग्रोथ का रेट चल रहा है जी। बांग्लादेश से ख़त्म हो चुका है, और उसका ग्रोथ रेट पाकिस्तान से ज़्यादा है जी। आधी मिनट की तो ये बात होगी। दूसरी बात यह कि पोलियो वर्कर्स को, पुलिस को, रेंजर्स को, फेडरल कॉन्स्टेबलरी को शहीद करना, ये उनके गले में मैदान मैशर इतना पड़ेगा कि उनकी बख्शिश की कोई सूरत नहीं होगी। और फिर ये जो हमारी टीमें सर कर रही हैं, वो बच्चियां उसमें औरतें, लोगों ने कहा था मीटिंगों में कि पोलियो के खतरे पिलाने के लिए औरतों को भेजा जाए। कुछ ज़माने पहले मर्द बच्चे जाते थे, उनका नहीं हमारे पर्दे का मसला है, तो अब औरतें जाती हैं और वो पिलाती हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ उनको आप इस्तकबाल करें, उनको घर में बिठाएं, पोलियो के खतरे पिलाएं, इससे आपका कोई नहीं होगा। एक आखिरी बात यह है कि पोलियो के खतरे अगर आप नहीं पिलाते तो हु विल बी एट लॉस, यू योर सेल्फ, बिल्कुल सही, योर फैमिली, क्योंकि वो तो कोई पोलियो खतरे नहीं पिलाओगे तो वो चली जाएगी टीम, बिल्कुल सही। लेकिन आपने इनवाइट कर लिया है कि मेरा बच्चा माजूर हो जाए ज़िंदगी भर के लिए, तो फॉर गॉड सेक, आपको मैं अल्लाह और उसके रसूल का वास्ता दे सकता हूँ कि अब टीमें घूम रही हैं, आप उनको इस्तकबाल करें और उसके ज़रिए से खतरे पी लें। और ये भी जहन में रखें कि सिर्फ ये 22 से 26 तक का नहीं है, ये 22 से 26 और पूरा साल। जो लोग मना करते हैं उनसे आखिरी सवाल, यही लोग उमरे पे जाते हैं, यही लोग हज पे जाते हैं, सऊदी अरब वाले लाइन में खड़ा करके दो दो कतरे डालते हैं, तो वहाँ आपके फतवे कहाँ जाते हैं, वहाँ आपका रिफ्यूजल का टेम्परेचर कहाँ जाता है। तो फॉर गॉड सेक इसको समझें अपनी जिम्मेदारी को, और ये कतरे ज़रूर पिलाएं और बार बार पिलाएं, इसमें कोई नुकसान का पहलू नहीं है। बेहतरीन। और एक और चीज़ खवातीन और रज़ा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो इस्लामिक क़यादत है पाकिस्तान की वो फुली सपोर्ट
करती है पोलियो के खतरों को। पोलियो के खतरे हलाल हैं, आपके बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़रूरी है, क्योंकि आपकी जो गफलत है उसका जो एक खमियाजा है वो मासूम बच्चे क्यों भुगते हैं। अगर आप लोगों की तालीम में शऊर में थोड़ी कमी है तो एक हेल्पलाइन आपको दी गई है 1166, जिस पर आप कॉल करके मालूम कर सकते हैं कि एक्चुअली पोलियो के खतरे क्या हैं और उनसे क्या फ़ायदा होता है, और अगर आप नहीं पिलाएंगे तो नुकसान की बेतहाशा जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो आप ही के मुल्क में घूम रहे हैं। ये पोलियो के खतरे गैर मुस्लिम मुल्क में बनते थे जी, ये भी अफवाह उड़ा रखी थी। अच्छा, तो WHO, रोटरी, हम लोगों सब ने मिलकर, अब ये इंडोनेशिया से बनकर आ रहे हैं जो कि मुसलमान मुल्क है। हम मुसलमान मुल्क है, अब कोई एक्सक्यूज ही तो सूरत नहीं है जी। लेकिन मैं ना मानू का कोई जवाब भी नहीं। हाँ बिल्कुल सही बात कितनी सही बात कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब। हमारी एक बहुत ही ज़बरदस्त दोस्त है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में, खवातीन और इजाज़, ज़ारा कचैलो उनका नाम है, निगेबान फाउंडेशन की सरबराह है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा, कैसे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप बेटा? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं ज़हरा? फ्लड से बहुत ज़्यादा तबाही फैल चुकी है बलूचिस्तान में, ऑल ओवर सिंध में। निगेबान फाउंडेशन एक बहुत ही ज़बरदस्त कदम उठाए हुए हैं इनकी रिहाब के लिए, आप क्या क्या कह रही हैं? देखिए, सबसे पहले चाहे वो कहीं भी फ्लड्स हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे पंजाब का हिस्सा हो, सबसे पहले उनको क्या चाहिए? एक शेल्टर चाहिए, सर छुपाने की जगह चाहिए, और दूसरा उनको खाना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं उनको, क्योंकि टेंट्स बहुत महंगे पड़ रहे हैं। अब एक टेंट जो है मिनिमम जो है 6,000, तकरीबन 5,500, 6,500, डिपेंडिंग के कौन आपको मिलता है उतना हो जाता है। तो तरपाल जो है उन्होंने, अब हमारे लोग बेचारे इतना फ़ायदा उठाते हैं इन चीज़ों का। तो फिर मत कहिए, क्या बोलूँ मैं और क्या बोल सकते हैं अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है। 1100 के मैंने पहले टेंट लिए, आज वही टेंट 1900 का दे रहे हैं। बिल्कुल सही, आई मीन कितनी हवस है पैसे की, हमारे पास हवस ही खत्म नहीं होती है। बिल्कुल सही कह रही, बहुत ग्रीड है जो मेरे ख्याल से बढ़ती चली जा रही है। जैसे वो कह रहे अभी इससे भी महंगा हो जाएगा। एनीवे, तो हमने बचाए टेंट के, आए ऑप्टेड के, नहीं उनको तरपाल दिया जाए, और उनके पास स्ट्रक्चर तो वो लकड़ियाँ वकड़ियाँ जमा करके ना तो वो बना लेते हैं शेड। तो सबसे पहले तो हमने तरपाल का काम किया जो अभी भी चल रहा है, और फिर हम, क्योंकि खाना तो वो पका ही नहीं सकते, मुझे नहीं समझ आता लोग जब कहते हैं कि राशन बांट रहे हैं, राशन किधर बांट रहे हैं, क्या करेंगे वो राशन का, जबकि आपके पास लकड़ी नहीं है पकाने के लिए, बर्तन नहीं है, तो फिर आप राशन पकाएंगे कैसे? तो इसलिए हमने अपने गाँव में हमने वो तरपाल लगा के एक जगह बना लिए, शेल्टर बना के, और उसमें हम लोग कोई 30 से 40 देगे रोज पका रहे हैं। वेरी नाइस। सो मतलब अबाउट 3,000-2,000 लोग रोज, और कोई भी आ सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कौन किसको चाहिए। एज लॉन्ग एज आपको खाना चाहिए आप आइए, हम प्लास्टिक की थैलियों में दे देते हैं ताकि उसी में आप खाएं और उसी में आप कर लें। और ज़ाहिर है अब आप मुर्गी और गोश्त तो नहीं दे सकते, तो किसी रोज़ हम चने दे देते हैं, चना, कभी आलू का दे देते हैं, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, चावल ही होते हैं। अब रोटी करना है, लेकिन रोटी बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन खवातीन रोज़ा दी भी बहुत बड़ी बात है कि रोज़ की 3 से 4 दे गए, और वो लोग जो कि फ्लड अफेक्टेड हैं उनको भूखा नहीं सुलाया जा रहा। आई सल्यूट यू एंड आई सल्यूट द निगेबान फाउंडेशन। खवातीन रोज़ात, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। खवातीन रोज़ात लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ज़ारा हमारे साथ मौजूद है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। ज़ारा, मैं चाहता हूँ कि हम लोग पाकिस्तान में जितनी भी इस तरह की डायनामिक खवातीन हैं जो कि आपके लिए एक इंस्पिरेशन का बायस बन सकते हैं, हम आपकी उनसे मुलाकात कराते हैं। ज़ारा के चहलो निगेबान फाउंडेशन की सरबराह है और निगेबान फाउंडेशन जो काम करें, अभी आप लोगों ने एक बड़ा ज़बरदस्त फुटेज देखा होगा। आप देख रहे होंगे कि उन छोटे बच्चों के चेहरों पर, उन फैमिलीज़ के चेहरों पर कितनी खुशी है। इंसान जब पेट भर के खाना खाता है तो उसको कितनी खुशी मुयसर होती है, और खाना भी अगर क्वालिटी का ताज़ा खाना हो और वो आप अगर उसमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो हम आपको डेफिनेटली एक मौका देंगे। ज़ारा, हाउ टू कंट्रीब्यूट इन दिस? बहुत सारे लोग हैं जो कि डोनेशंस देना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं इस कार्य खैर का हिस्सा बनना चाहते हैं। हमारा बहुत सिंपल तरीक़ा है, आप बैंक अल हबीब में जमा कराएँ और वो जो फ़ोन नंबर आ रहा है उसके ऊपर आप मुझे अपनी रसीद भेज दें। व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे रसीद भेजना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारा रजिस्टर्ड एनजीओ है, फिर एफबीआर के साथ हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरा ये कि आप टैक्स क्लेम कर सकते हो, बिकॉज रजिस्टर्ड है तो आप टैक्स भी क्लेम कर सकते हो, इसके ऊपर रिबेट मिल जाएगा आपको। तो इसलिए रसीद भेजना बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर कोई और वजह है तो चले वो खैर है, मगर ज़्यादातर आई वुड प्रेफर दैट। और आप लोग सदक़े की रकम है, ज़कात की रकम है, क्योंकि इस वक्त बेतहाशा फैमिलीज़ हैं जिनके घरों पे छत नहीं है, घर में छोटे बच्चे हैं, वालदैन हैं। ज़्यादा दिल तो बड़ा टूटता होगा ये सारा सिनेरियो देख के। आपको पता है 100% कच्चे घर टूट गए हैं। अब आप खुद सोचो, हमने तरपाल दे दिया, टेम्प्रेरी दे दिया, ठीक है, चले तरपाल ये कि जब तक घर बनेगा जब तक उनके पास हो जाएगा खाना। आपने फ़िलहाल हम एक 1 meal a day दे सकते हैं, वो हम कर रहे हैं, चाय हम नहीं दे सकते। हमने सोचा था करेंगे, लेकिन बहुत मुश्किल काम है, ठंडी चाय पीने से बेहतर है ना पिए इंसान। फिर आप दे दिया, फिर रोज़ हम फ्यूमिगेशन कराते हैं उस एरिया को, जो हमने एक एरिया है बिटवीन कोट गुलाम मोहम्मद एंड डिग्री, उसके अंदर जो भी गांव में जो लोग रोड पे आ गए हैं उन सब का रोज़ फ्यूमिगेशन होता है। उनको मॉस्पेल दे रहे हैं, मच्छरदानियाँ भिजवा रहे हैं। तो अगर किसी के पास भी कोई होलसेल की सॉस भी है मॉस्पेल की, मच्छरदानी की, तरपाल की, तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट करें और डोनेट करें तो बहुत अच्छी बात है। इनफैक्ट आप लोग अपने कपड़े डोनेट कर सकते हैं। कितने लोगों के घर चीज़ें, कपड़े, तकिए बह गए होंगे, चले गए होंगे। और मुझे तो सिर्फ एक बात का खदशा है ज़ारा, कि अब एकदम से बीमारियों का इन्फ्लक्स हो जाए। इसीलिए हम फ्यूमिगेशन कर रहे हैं। हमारे फ्यूमिगेशन का मकसद ही यही है कि बीमारियां ना हो। लेकिन सबसे जो ख़तरनाक बात है ना, ये तो हमारा स्टेज वन हो गया। स्टेज टू जो है हमारा आ जाएगा रीबिल्डिंग पे। असल खर्चा हमारा तब आएगा, ठीक है ना, बिकॉज जब घर ही टूट गए, कुछ भी नहीं है, उनका सामान बह गया है, मतलब लिटरली लोग रात में सोए, सुबह उनकी चारपाई तक पानी था, तो मतलब ओवरनाइट दे बिकम जीरो आप पे आ गए। और मवेशी उनके मर गए, मवेशी तो बिल्कुल सारे जानवर, बिल्कुल। अब मुझे जो सबसे बड़ा ख़तरा है कि जब आप ये देखोगे कि ये सब लुट गए हैं, तो कल अगर आज आप इनको अपने पैरों पर नहीं खड़ा करोगे, इनको सर पर छत नहीं दोगे, तो कल ये आपके घर आके डाका डालेंगे, आपको रोडों पे लूटेंगे। फिर आप बिल्कुल मत शिकायत करना, क्योंकि आपका हक ही नहीं बनता फिर शिकायत करने का, क्योंकि जब उनको ज़रूरत थी तो आपने उनकी हेल्प नहीं करी। हाँ। अब वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ तो करेंगे ना। सही कह रहे। तो इसलिए बेस्ट है कि जितना भी आप कर सकते हो, मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जो 1000 रुपये देते हैं और वो इतना प्राउडली देते हैं कि सहरा मैं 1000 रुपये दे रही हूँ, अल्लाह कबूल करे और आप सही जगह पर लगाना। और ऐसे भी लोग हैं जो 20 लाख भी दे देते हैं और वो कहते हैं कि आप जहाँ मर्जी आए खर्च करो। तो हर किस्म के डोनर, आई थिंक मदद हर किस्म की वेलकम है। आप अपनी इस्तेआत के मुताबिक जो भी करना चाहिए, क्योंकि देखिए कार्य खैर है, बेतहाशा मासूम बच्चे फैमिली से। और मैं एक चीज़ वैसे भी सोच रहा था ज़रा, और मैं चाहता हूँ आप लोग भी सोचिए, हम लोग रोज़मर्रा के बेसिस पे कितने पैसे बिला वजह ज़ाया कर रहे होते हैं। आप सोचिए, अगर आप रोज़मर्रा के अपने खर्चे सिर्फ काउंट करें, कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आपकी कहीं पे अगर रकम बनी होती किसी दुकान के ऊपर, 2 रुपये आप 2 रुपये आप छोड़ देते हैं, कहते नहीं नहीं तुम चलो तुम रख लो। उसके बाद कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ एक्स्ट्रा आपने ख़रीद ली होती है जिसकी ज़रूरत नहीं होती, वो चीज़ ज़ाया ही हो रही होती है। कुछ बिला वजह के खर्चे होते हैं कि नहीं यार मैंने 2 सिगरेट और ले लिए थे, जो कि गलत है, तम्बाकू नोशी से हमें परहेज़ करना चाहिए। लेकिन
हम लोग अगर सोचे तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने पैसे ज़ाया कर रहे होते हैं, और वो पैसे, वो रकम, चाहे वो 50 रुपये हो, चाहे वो 50 लाख रुपये हो, वो कितने कितने मासूम बच्चों का पेट भर सकती है, उनके घरों पे छत ला सकती है। आप बड़ी ज़बरदस्त काम कर रही हैं। मुझे एक बात बताएं ज़ारा, बेसिकली आपकी जो फाउंडेशन है निकेबान फाउंडेशन, मुश्किलात का क्या सामना करना पड़ रहा है आजकल आपको? मुश्किलात तो वही होता है, फंड सबसे बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अब कल जैसे मुझे पता चला मॉस्पेल जो है वो 200 रुपये का है। अब 200 रुपये का मॉस्पेल जब आप मल्टीप्लाई करते हो 3000 लोगों के लिए, तो अमाउंट जो बनता है वो तो आप देख के ही कहते हो अच्छा अब इतना बड़ा अमाउंट, मच्छरदानियाँ हैं, प्राइसेस सब जैकअप हो गई हैं, तो ये इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। इसकी वजह आपको क्या लगती है? मुझे तो, मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि अगर खुदा ना खास्ता कभी अगर पता चले, जिस तरह रमज़ान शरीफ आते हैं तो जानमाज़ें इतनी महंगी कर देते हैं, तस्बियाँ इतनी महंगी हो जाती हैं बेसिक, रमज़ान करीब शरीफ जब आ रहा होता है, मुझे एक समझ नहीं आता कि इतनी ग्रीड, इतनी हवस पैसे की क्यों लोगों में बढ़ गई है, जबकि ऑलरेडी आपके घरों पे छत है, घर में खाने को भी है, बच्चे भी आपके अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं, तो ये हवस किस बात की है? मुझे, हम लोग सब कल अकाउंटेबल होंगे अल्लाह ताला के आगे अगर हम लोग, यू नो, मेरी एक थियोरी है जो मैं हर एक को यही कहती हूँ कि व्हाट हैव यू डन टू डिजर्व वेयर यू आर टुडे। ठीक है, हमने ऐसा कौन सा तीर मारा है जिंदगी में कि हमें सर पे छत भी है तो 3 टाइम खाना भी मिल रहा है, तो हम रेस्टोरेंट में जाके 10-10, 20-20, 30-30 हज़ार का खाना खा लेते हैं, बर्गर ऑर्डर कर देते हैं, पिज्ज़ा ऑर्डर कर देते हैं। हमने ऐसी कौन सा तीर मारा है, हाँ, जो अल्लाह हमें इतना नवाज रहा है। ठीक है ना, और उन्होंने क्या गुनाह किया है कि जो उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, 1 टाइम नहीं मिलता। आपको पता है अभी तो ये फ्लड्स आए, फ्लड से पहले इन लोगों का खाना क्या था? एक प्याज और रोटी, प्याज को कुचलते थे और रोटी के साथ खाते थे। रात में क्या खाते थे? पानी के अंदर लाल मिर्ची मिलाते थे और वो रोटी के साथ खाते थे ताकि पेट भर जाए, मिर्ची से पेट भर जाता है, राइट? ये तो उनकी खुराक थी। फिर मैंने जब ये स्टार्ट किया निगेबान, तो हमने शुरू किया 100 औरतों के साथ, और उनको हमने सॉफ्ट लोन देना शुरू किए, उनको सिखाया कि बिजनेस कैसे करते हैं। आज माशाल्लाह से अब तो उनकी बेचारों की सारी दुकानें ही उठ गई, लेकिन 5,000 के लोन पे दे वर मेकिंग 5,000 अ मंथ टेकिंग होम, और मैक्सिमम 20,000 5,000 के लोन में। तो इस दफ़ा मैंने इंक्रीज करके उनको 10,000 का करना था ताकि वो 30,000 तक आ जाए, और फिर उसके बाद आई वुड हैव रिट्रीटेड एंड डन समथिंग एल्स। अब गांव-गांव में बाथरूम नहीं होते, ठीक है, पब्लिक बाथरूम्स में बनाना चाह रही हूँ ताकि कम से कम औरतें बाथरूम तो जा सकें। वो तो बेचारी खेतों में जाती है, इधर उधर जाती है, प्रेग्नेंट होती है, ऑपरेशन होता है, मगर इनका कोई हाल नहीं होता, तो वो एक और चीज़ है। लेकिन कमिंग बैक टू द फ्लड्स, अनदर थिंग दैट वी आर डूइंग इज़ कि एज सून एज बारिशें थोड़ी सी रुक जाए, फिर उसके बाद हमने पानी निकालना है। और पानी कैसे निकालना है, उसके लिए हमारे को मशीन, सक्शन मशीन्स चाहिए, पंप्स चाहिए, और हमारे अपने जो ट्रैक्टर्स हैं, मेरा बेटा है जुल्फ़ार अली का चेलो, जो गांव में पूरा संभाले हुए है, मैं कराची का करती हूँ, वो गांव का करता है। मैं इंशाल्लाह मंडे को गांव जा रही हूँ, तो मैं खुद चाह रही थी कि अपना एक्सपीरियंस होता है, राइट? और उसी ने मुझे कहा कि आप आएँ और आप, यू नो, जब आप, क्योंकि मेरा एनजीओ इतना चल रहा है वहाँ पर, तो बोला आप खुद आके करें। तो वो मेरे ख्याल से अपने हाथ से करने में एक सेटिस्फेक्शन भी इंसान को बहुत होती है, और वो मॉनिटर्ड भी ज़्यादा होता है। मैं कहा प्रॉब्लम यह है कि इतना दुख देखना बड़ा मुश्किल है, मतलब मैं तो जब गांव जाती हूँ मुझे इतना रोना आता है, क्योंकि मैं बेवा औरतें जिनके छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा लुक आफ्टर करती हूँ, जो बेवा औरतें जिनके जवान बच्चे हैं और एक पैसा नहीं देते, वो आ कहती हैं हमने क्या गुनाह किया, आप हमें क्यों नहीं सपोर्ट कर रही? अब जाहिर है उनके लिए भी कुछ सोचना पड़ेगा। सो इट्स दिस थिंग, इट्स एन ऑन गोइंग थिंग, और अगर हम हेल्प नहीं करेंगे तो कभी नहीं बोलना कि भाई हमारे को लूट लिया, ये कर लिया, जाहिर है लूटेंगे आप। ऑफ कोर्स, जब आप उनकी इस वक्त मदद नहीं करेंगे तो फिर वो, अब उसका जो एक रेपरकशन हमेशा किसी भी कैलामिटी का यही होता है कि अगर आप पे कोई मुसीबत आई होती है, आपने मदद नहीं की, तो फिर वो शहरों का रुख करते हैं और फिर क्राइम रेट बढ़ता है। अनदर थिंग आई फील इज कि अगर एवरी हाउसवाइफ अपना जो भी उसका हस्बैंड देता है या कमाती है, जो भी है, उसका सिर्फ 2.5%
एवरी मंथ निकाल के, विच आई डू एवरी मंथ, आई टेक आउट 2.5% और वट एवर आई, यू नो लाइक जो भी आपकी एक्सपेंडिचर है मंथली, वो मैं एक अलग एनवेलोप में रखते जाती हूँ. तो जब कोई ज़रूरतमंद आता है तो मुझे सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मुझे पता है वो लिफाफे में रखा हुआ है, वो उसमें से निकाल के आपने दे दिया, फिर आपका हाथ टाइट नहीं होता है. और यकीन करें वो पैसे में जो बरकत है ना, ख़त्म ही नहीं होते, क्योंकि आपकी सोच अच्छी है, आपकी नियत अच्छी है. आप सिर्फ 2.5% निकालो हर महीने और देखो अल्लाह आपको क्या नवाजता है. बेशक बेशक ऐसे रास्ते खोलता है कि आप सोच भी नहीं सकते. और खवातीन हज़रात, मैं आपको एक और बात बताता ये चलूँ, ये भी इबादत है जब आप अल्लाह ताला की जो खलकत है उसकी आप मदद करते हैं, जो मुसीबत ज़्यादा लोग हैं उनकी मदद करते हैं, ये भी एक इबादत है. हुकूकल इबाद में अपने आप को सुरखरू करना इबादत है. और हुकूकल इबाद एक ऐसी चीज़ है जिस पे अल्लाह ताला भी कहता है कि मैं माफ़ नहीं करूँगा, उन लोगों से माफ़ी मांगो जिनके साथ तुमने ज़्यादती की है. और अगर आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं, जो कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे हैं और आप वो ज़ाया करें, तो आप उन गरीब लोगों के साथ ज़्यादती कर रहे हैं जो सब मुस्तहिक हैं, जिनके मासूम बच्चे खाने के मुस्तहिक हैं, तहफ़्फ़ुज़ के मुस्तहिक हैं, सुकून से सोने के, जागने के, सेहत के मुस्तहिक हैं. ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त आपकी स्क्रीन पर अकाउंट नंबर चल रहा है, चाहे आप 5 रुपये डोनेट करें, चाहे आप अपनी इस्तेआत के मुताबिक जितना अल्लाह ताला की राह में डोनेट करना चाहते हैं डोनेट करें, बट दिस इज़ द टाइम टू डोनेट. आपके पास एड्रेस आ रहा है, अगर आप कोई चीज़ डोनेट करना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करके वो चीज़ें डोनेट कर सकते हैं. पुराने कपड़े हो, बिस्तर हो, मॉस्पेल्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि आप डोनेट करना चाहते हैं, तो आपने हम मच्छरदानी हो, हम निगेबान फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं इस ज़बरदस्त कार्य खैर में, ताकि वो लोग जो कि फ्लड से, सैलाब से इस वक्त अफेक्टेड हैं, हम उनकी मदद कर सकें. ज़ारा थैंक यू सो मच, एंड आई सलूट यू जो आप काम करें, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करें. प्लीज दुआओं में याद रखें ऑलवेज कि अल्लाह हमसे जो काम ले रहा है उसमें हम कामयाब रहें इंशाल्लाह. आमीन. ख़वातीन और हज़रात, आपको पता है कि आज जुमे का दिन है, इबादत का दिन है, आप लोगों ने क्या करना है, और ये भी एक इबादत है कि आप मुस्तहिकीन की मदद कीजिए. लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं. वक्त हुआ जाता है जब आप अपने चेहरों को और निखारिए, खूबसूरत महसूस कीजिए, अच्छा महसूस कीजिए, और उसके साथ साथ अपनी शख्सियत पे भी थोड़ा बहुत काम कीजिए. लेकिन इस वक्त आपको पता है कि बदलते मौसमों के साथ आपकी जिल्द बहुत डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, कभी आप पे एक्नी ब्रेकआउट्स होते हैं, कभी स्किन टोन अनइवन हो जाती है. और आज इस बारे में बात करेंगे, आप सबके फेवरेट, हमारे फेवरेट, इनके इस्तकबाल में कोई कमी नहीं होनी चाहिए. प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर डॉक्टर खुर्रम शहीद. क्या बात? कैसे डॉक्टर साहब आप? बहुत जबरदस्त, हमारा बैंड कितना बिल्कुल सर, आपकी जो आपका जज्बे के साथ साथ उन्होंने बिल्कुल ना. कैसे डॉक्टर साहब आप? बिल्कुल ठीक ठाक. गुड मॉर्निंग. बिल्कुल बहुत आज माशाल्लाह बहुत फ्रेश और बहुत एक्टिव और उछले लग रहे हैं. अच्छा, मैं आपको यकीन करें एक अजीब सी बात, कल बिल्कुल ठीक था और रात को मुझे लगा कि जैसे एकदम से होता नहीं है पर एक फीलिंग होती है बुखार की सी पूरी रात, और सुबह को वो ठीक हो गया. अरे डॉक्टर साहब, आई थिंक मौसम की वजह से. बिल्कुल सही कह रहे हैं, मौसम की वजह. और सेकंड बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये कि हम लोग उल्टा सीधा खाते रहते हैं ना बाहर से, तो वो कभी तो डॉक्टर साहब आई थिंक बहुत सारे लोग हैं वो वर्कहॉलिक भी होते हैं, उनका वर्क रूटीन वही चल रहा है, आई थिंक वो ज़्यादा काम करते हैं फिर रेस्ट इतना होता नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है सर, मेरा मैं बहुत प्रॉपर रेस्ट करता हूँ. अच्छा. और समझे कि सब कुछ प्रॉपर रेस्ट है, सब कुछ है, काम भी थोड़ा कम है आजकल क्योंकि लोग थोड़ा बारिश का एक वो समझते हैं, लोग बारिश के से लोग निकलते नहीं ना घर से, तो लिमिटेड लोग निकल रहे हैं. और माशाल्लाह देखिए, वो बार बार कहना भी अब अच्छा नहीं लगता, मगर वो जो हालत सड़कों की, लोग डर जाता है. डॉक्टर साहब, मैं तो जैसे ही बारिश की पहला छींटा पड़ता है मैं तो अपने आपको घर में बंद करता हूं, फौरन घर में बंद करें. कराची में तो मुझे तो डर लगने लगता है कि मगर ये बात अलग है कि आप घर में तो बंद करेंगे मगर आपको बिजली का बिल भी देना है, तमाम टैक्सेस भी देने हैं, ठीक है, और तमाम जगह जगह जहाँ खर्चे वो सब पूरे देने हैं, आप घर में बैठना भी. डॉक्टर साहब देखिए, एक बड़ी मशहूर कहावत है, कहते हैं बड़े हाथी के लिए बड़े दरवाजे तो फिर होते हैं. अब आप भी तो एक बड़े हाथी पे सफर कर रहे हैं. बड़े हाथी में तो कौन सा बड़ा हाथी है भाई? डॉक्टर साहब हमारा कंट्री कितना बड़ा है माशाल्लाह, आप देखिए कंट्री. देखिए कंट्री बड़ा होता है काम से, ठीक है, अल्लाह करे कि वो हो, और मैं ख्याल है एक स्टेज पे आएंगे जरूर, वो वक्त आएगा. और देखिए काम के साथ साथ इम्प्रूवमेंट आएगी और बड़ा था. और बताइए, यकीन करें अब हम वो थोड़े से बदकिस्मत कंट्री हैं कि जब एक होता है ना कि एक बाप अपनी औलाद को दे के जाती है जो चीज़, तो वो उसको
चलो इंक्रीज ना करे, उसको संभालता तो है। हमें इतना बड़ा मुल्क कायदे आज़म देखिए गया, इतना बड़ा, वो हमने बहाने कर करके कि जी वो एक टुकड़ा वहाँ है एक यहाँ है, तो वो सब उसको तो आधा तो कर दिया, ठीक है, आधे से भी कुछ अब उसमें भी छांटी की तरफ लगे, अल्लाह करे ऐसा, अल्लाह ना करे ऐसा, अल्लाह ना करे ऐसा। अच्छा डॉक्टर साहब, बदलते मौसमों के साथ साथ आपको पता है जिस तरह आप कह रहे हैं बुखार कभी कभी चढ़ जाता है, बहुत सारे लोग हैं जिनको एक फ्लू की सी कैफियत रहती है, जुकाम रहता है, उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए पहली बात ये कि एक तो ग्रीन टी जरूर पिए, ठीक है, ग्रीन टी चाहे कोई भी हो, बिल्कुल। अच्छा मैं एक अजीब नई चीज निकली है, ग्रीन टी लोग कहते हैं खून सुखा देता है, क्या खून सुखा देता है? खून सुखा देता है। अच्छा कुछ लोग कहते हैं टॉक्सिक है ग्रीन टी जो है वो बहुत खेलेंगे। मैंने कहा देखिए, हमने चीन के लोगों को देखा है, जापान के लोगों को देखा है, कोरिया के लोगों को देखा है, जो पूरी दुनिया पे छाए हुए हैं, तो वो क्या करते हैं कि जी वो ग्रीन टी बहुत पीते हैं, ग्रीन टी खून सुखा देता है। अच्छा जी आप उनको कहें कि लहसुन अदरक की चाय ज़्यादा पिए तो उनको लगता है कि जी वो उससे आपको बेड ब्रेथ का इशू होगा, बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा वो करने के बाद आप ब्रशिंग करें, ठीक है, थोड़ा ब्रशिंग ट्वाइस अ डे कर लें। अच्छा कैविटीज़ बहुत सारे लोगों में ना, हम लोगों को अननोइंगली पता नहीं होता कि अपने दांत में कीड़ा लग जाता है, कीड़ा बहुत लग जाता है उसकी वजह से ना। अच्छा और अक्सर लोग क्या कहते हैं जी ब्रशिंग करते हैं उसकी एक लिमिटेड एरिया में करते हैं, पूरे जो आपका डेंचर है ना उसको नहीं कवर करते, वो बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा डॉक्टर साहब हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फरजाना फ्रॉम कराची। हेलो जी, सलाम अलैकुम फरजाना जी। हेलो, वालेकुम सलाम जी, जी प्लीज बात कीजिए जी। सलाम वालेकुम सलाम जी। भाई मैं तेरे के बारे में जितना ज्यादा तेरी बात है ये है कि पिछले हफ्ते आप आए हो, जो आपका नंबर लेके हुआ था तो वो मैं डायल कर करके वो लग नहीं रहा था। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने चेहरे से पूछना चाहती हूँ, मेरे चेहरे के ना फूल खुल गए हैं। अच्छा बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा उसके लिए आपने कुछ इस्तेमाल किया है पहले? आपने कुछ भी नहीं इस्तेमाल किया? अच्छा मैं आपको बिल्कुल जबरदस्त एक जी उम्र मेरी है 45 जी जी 45 साल, तो कह रहे मैं जैसे ज्यादा जी लटकने लग गया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको चीज़ें लिख के अभी आपको बता रहा हूँ, आप कागज़ कलम तैयार रखें या रिकॉर्ड कर लें इसको, तो अभी आपको बताते हैं आपके जो दाग धब्बे आ रहे हैं कील वहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का, मुझे कहा था फरजाना की कॉल है लिवास से। जी डॉक्टर, अच्छा बिल्कुल होता ये है कि देखिए इंपॉर्टेंट ये है कि बारिश का मौसम है, ठीक है, तो आपको डेफिनेटली थोड़ा एक बड़ी एज में एक्नी तो नहीं आती है, मगर आपके फिर भी ब्लेमिशेज आते हैं, ठीक है, आपके इन्फेक्शन होता है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में कराची से लेके कश्मीर तक अवेलेबल है, आप खूब इस्तेमाल करें और 15 दिन में हमें बताइएगा, फॉलो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और थोड़ा अप एंड डाउन होता है, लोग बड़े परेशान हो जाते हैं बहुत जल्दी, आपने कोई ट्रीटमेंट किया, देखिए स्किन में या कोई भी काम करते हैं आप शो कर रहे हैं इस पर इतना ज़बरदस्त, ठीक है, तो एक दिन में तो नहीं, एक ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। डॉक्टर साहब आई थिंक हर चीज़ का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, लग के करेंगे बिल्कुल। अच्छा देखिए आप सुबह शाम एक एक टैबलेट खाएंगे 200-250 mg की फॉर 14 डेज, जाइटो ZYTO, ठीक है। अच्छा तीन क्रीमें आप मिला के लगाएंगे, जेंटेसन, ठीक है, कैनेस्टन एक्स्ट्रा और डेलेसन टी लोशन, दो क्रीमें एक लोशन मिक्स किया, एक डिब्बे में रखा, पूरे चेहरे पे लगाया, लगा के बाहर भी जा सकते हैं, किचन भी जा सकते हैं, रात को लगा के सो भी सकते हैं। और एक सोप लीजिएगा न्यूट्रल pH बार, न्यूट्रल पीएच बार, उसे आप मुंह धोएंगे 3-4 मरतबा, आपका फेस बड़ा ग्लो करेगा, ठीक है। और दो टाइम आपको खाना है एवियन, जो बड़ी कॉमन है, ट्वाइस अ डे 400 mg की, देखिए कितनी जल्दी रिजल्ट आएगा। अच्छा हमारे साथ निदा है फ्रॉम सरगोधा, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम निदा। हेलो, हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी निदा बोलिए, आपका क्या सवाल है? जी डॉक्टर सुरन से बात करनी है। जी जी कीजिए। प्रॉब्लम है जी निदा, सलाम अलैकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। जी अब आवाज आ रही है, अब क्लियर हो रही है। एक्ने का, एक्ने की प्रॉब्लम है, एक्ने है और उसके दाग है। एक्ने है और उसके निशानात है, उनके निशानात है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा निदा हाथ से दाने तो दबाती नहीं है ज्यादा, जो एक्ने आती है दबाती तो नहीं है ना हाथों से? दबाती निशान पड़ते हैं, खड्डे आ जाते हैं। और थर्ड चीज आपकी खुराक कैसी है, पानी सब्जियां फल ये सब चीजें हैं? जी पानी, पानी ज्यादा नहीं दिया जाता, कम पीती हूं। और पानी बढ़ाएंगी। अच्छा और ये जो बहुत सारे ड्रिंक्स होते हैं लाल और ग्रीन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सारे ब्लैक, वो सब पीती तो नहीं आप ज्यादा? नहीं नहीं पीती,
और इसके लिए कोई फेस वॉश कोई क्रीम वगैरह कुछ बता दें। अच्छा अच्छा निदा आप लिखिए, बल्कि मैं चाह रहा हूँ आपको लिखवाऊँ अभी लाइव ना। अच्छा देखिए, ट्वाइस अ डे यानी सुबह शाम एक महीने तक, ठीक है, आप एक सिरप पियेंगी जार्डन JARDIN, ठीक है, और चेहरे पे आप लगाएंगी तीन क्रीमें मिला के, ठीक है, एक होगी जी कैनाकॉम, ठीक है, और दूसरी होगी उसके साथ डेक्टरिन, ठीक है, DAKTRAIN, ठीक है, और उसके साथ डेलिसिन डी लोशन, ठीक है, तीनों चीज़ें मिक्स की और पूरे चेहरे पे आप भर भर के लगाएं, ठीक है। अच्छा, और फेस वॉश जो आप यूज़ करेंगी वो होगा बिल्कुल माइल्ड सा होगा, एलोवेरा का हो तो बहुत अच्छा है। आज मैं लाए नहीं, आपको दिखाता, आपके लिए भेजेंगे भी, ठीक है। अच्छा, कोई विटामिन ज़रूर खाएं जैसे मल्टीबायोंटा, तो आपके अंदर से सफाई होगी। पानी ज़्यादा पीना है, फ्रूट ज़्यादा खाना है, बाहर की चीज़ें वो जो ड्रिंक्स है ना थोड़े से कम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक वैसे मैं आपसे अपनी नॉलेज के लिए पूछना चाहता हूँ, एक एक मेडिसिन आती है वो आयुर्वेदिक की है या वो होम्योपैथिक की है, साफी उसका नाम है। जी जी जी, तो बहुत सारे लोग हकीमी टाइप जी हिकमत से है, बिल्कुल बिल्कुल हबल है, हबल है। डॉक्टर साहब क्या वो सही है पीना? देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब देखिए एक तरीके का वो जड़ी बूटियों का एक्सट्रैक्ट है, कहवा की एक फॉर्म है, तो वो तो बहुत अच्छा है, पानी मिला के पी लो, उसका टेस्ट जरा वो बहुत कड़वी होती है, मगर बुराई कोई भी नहीं है। देखिए इसमें कोई बुराई नहीं है, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो आपकी गजा का, जैसे अगर हम नहारी खाते हैं या पुलाव खाते हैं, तो उसके अंदर जो आप देखें ना लौंगे दार चीनी इलायची, तो वो एक आपका पूरा एक इलाज है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप उसको ओवरडोजेज हो जाए, वो भी डॉक्टर साहब कितना अच्छा, अगर आप सोचें कि कोई कहे कि आपका इलाज नहारी से होगा, आप सोचें कितना सुनने में कितना अच्छा लगेगा, अरे भाई यार तीन नहारी से इलाज हो रहा है सब, चलो जी उसको डॉक्टर कहते हैं तीन टाइम्स अ डे खाना है, आप चार दिन के बाद उसकी शक्ल देखें वो माफी मांग रहा होगा। नहीं डॉक्टर चले वो तीन दिन तो आएंगे ना कम से कम, देखिए ग्लास इज ऑलवेज हाफ फुल, बिल्कुल ये बात, तीन दिन तो आपके लिए एक और कॉल है, फाबिया फ्रॉम डीजी खान। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम फाबिया। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब प्लीज आप कॉल लीजिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम मिस फाबिया, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, मैं फाबिया बात कर रही हूं, मुझे डॉक्टर खुर्रम से बात करनी है। जी मिस फाबिया बोल रहा हूं, बिल्कुल, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? डॉक्टर साहब मैंने अपने बालों के लिए पूछना था, मैंने अपने बालों के लिए हर ऑयल हर डॉक्टर को दिखाया, मेरे बालों की लेंथ ही नहीं बढ़ती बिल्कुल। अच्छा, मेरे बाल घने भी हैं बहुत ज्यादा, हर नुस्खा मैंने किया है। अरे मिस फाबिया, अच्छा क्या हो रहा है कि जैसे बाल पतले पतले हो रहे हैं या बीच में से बाल खो रहा हो? लेंथ नहीं बढ़ती, घने भी हो तो घने हो जाते हैं मेरे, लेंथ नहीं बिल्कुल बढ़ती रुक गई है मेरी। अच्छा बिल्कुल ठीक है मिस फाबिया, बेफिक्र हैं, बड़ा बेहतरीन सा आपको जवाब दे रहा हूँ, और हमारी मतलब अच्छी बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर है निदा, उनको मैं कहूंगा आपको तेल और शैम्पू मैं खुद भेजूंगा, ठीक है मिस फाबिया। अच्छा फाबिया, जो अभी ट्रीटमेंट है आपकी वो हम आपको ब्रेक के बाद बताएंगे, वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खबर रोज रात, आप देख रहे हैं द बोरिंग स्टार, एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। जितने लोग कॉल कर रहे हैं डॉक्टर खुर्रम मुशीर के लिए, प्लीज टेलीफोन जब भी करें टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए और अपनी जो कॉल है उसको क्रिस्प रखिए, थोड़ा तेज बोलिए, शार्प बोलिए, क्लैरिटी के साथ बोलिए, ताकि दूसरे कॉलर्स को भी मौका मिल सके। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब आज हम कर क्या रहे हैं? आज हम करेंगे इस पर दाग धब्बों के लिए ना, ठीक है, आज मैं बड़ी दवाएं बहुत ही कम है, ना मशीनें लाया हूँ ना दवाएं लाया हूँ, एक दो ट्यूब हैं थोड़े से बहुत ही घरेलू चीज़ों से, कि आपकी एक्नी हो जाती है, कील मुहासे होते हैं, झाइयाँ होती हैं, धूप, खवातीन क्या करती हैं कि जी बहुत सारा अच्छा मेकअप मिल रहा है। डॉक्टर साहब इधर आ जाए ना, इधर ये लाइट थोड़ी बेहतर है। अच्छा जी, आज तो समझे कि वो बहुत सारा मेकअप खरीद लेती हैं, तो उससे क्या होता है कि मेकअप खरीदने के बाद वो बहुत एक्सपायर्ड हो जाता है, तो वो इस तरह का सामान लगाने से उनके चेहरे पे दाग आते हैं। और सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, चार क्रीमें, अभी तक हम लोग बहुत चीखे मारते रहते हैं कि जी चार क्रीमें ना लगाएं, मगर वही चार क्रीमें, ठीक है, और अभी भी आप यकीन। अच्छा मैं एक बड़ी आपको मज़ेदार, जरा आप आते हैं तो कैथारसिस भी हो जाती है ना, परसों, ठीक है, परसों एक लड़की आई बड़ी अच्छी थी, ठीक है, और उसके पेशेंट आई, पेशेंट पेशेंट, हाँ डेफिनेटली, और उनके साथ ही उनकी नानी, ठीक है, मैं समझा अम्मी है वो, मतलब बड़ी
जरा वो थी स्टर्डी टाइप ना हाँ। अच्छा पहले उन्होंने बैठी थी उनको लड़की बहुत अच्छी थी उनका जी अगर वाइटिंग इंजेक्शन हो मैंने कहा जी बिल्कुल लग सकता है तो पहले तो उनकी नानी जो थी वो वही जो हम कहते हैं ना कि जी वो मोहल्ले में फुप्पो रुकैया और वो सारा उससे ना तो वो ये होता है उससे ये होता है मैंने कहा देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ इसके अंदर ये अज्जा होते हैं और ये इसका कोई नुकसान नहीं। अच्छा मैंने कहा नहीं मेरी एक जानने वाली ने 8 से 18 साल पहले लगवाया था तो उनको लगाते ही पहले तो बहुत गोरी हो गई फिर वो डाउन। मैंने कहा देखिए एक तो मैडम 18 साल पहले व्हाइटिंग इंजेक्शन था ही नहीं ना तो उनका नहीं था आपको नहीं पता। मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है। उन्होंने कहा कि जी वो इटली से मंगाया था उस जमाने। मैंने कहा देखिए इटली में बर्तानिया में ना लोग बनता जरूर इटली में सबसे अच्छे बनते हैं मगर इटली में बर्तानिया में फ्रांस में इंजेक्शन लोग नहीं लगाते क्योंकि वो वाइट हैं उनको टैंड होना है ठीक है वो उनको अपना सांवला होना है हमें होना है ठीक है। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जैसे वो लोग वहां कहते हैं ना कि जी वहां के लोगों को एक डिजीज होती है उसके बारे में अगला प्रोग्राम करेंगे फुलबेरी ठीक है वर्टिलाइगो जो लोग कहते हैं दूध और मछली तो वो कहते हैं जी बाहर के मुल्कों में तो नहीं होती। अरे बाहर के मुल्कों में होती है मगर नजर नहीं आती हमारी यहाँ ज्यादा अच्छी नजर आती है हमारी स्किन इस तरह की है ठीक है और हमारी इलाज भी पाकिस्तान में इंडिया में बांग्लादेश में इसका इलाज अच्छा है। इसी तरह से सोराइसिस ठीक है वो जो है वो बर्तानिया में या फ्रांस में ज्यादा होता है हमारे यहाँ कम होता है। और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट देखिए आपकी स्किन बहुत डैमेज हो सकती है क्रीमें लगाने से दाग धब्बे बन सकते हैं डैमेज हो सकती है मगर आप बिल्कुल मत डरा करें। अच्छा एक जो पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया से आते हैं ना वो जी एक लड़की थी वो आइसलैंड से आई हुई थी और वो ऑस्ट्रेलिया में थी उसने वो कुछ ये यूज़ किया उसको स्किन कैंसर हो गया मुझे तो नहीं होगा। अरे भाई आइसलैंड की लड़की की स्किन और तुम अपने कराची की लड़की की स्किन में बहुत फर्क है। तुम बिल्कुल सेफ हो ऑस्ट्रेलिया के साहिलों पे आराम से घूम सकती हो हवाएं बिल्कुल हवाओं के साथ घूम सकते हो तुम नहीं पर आइसलैंड वाली लड़की और पाकिस्तान की लड़की में बहुत फर्क है स्किन की कंडीशन के साथ ठीक है। और हम उनको जरूर भेजेंगे मैं भाई हमारी जो फाबिया को मिस फाबिया आपके लिए तेल शैम्पू निदा के हवाले में निदा बेचारी अब मेरे उसको ही मेहनत करना पड़ेगी मेरे पीछे याद दिलाते हुए ठीक है। एक कैप्सूल मैं आपको भेजूंगा मल्टी विटामिनों ठीक है वो आप ट्वाइस डे खाएंगी सुबह शाम पूरे महीने तक वो भेजूंगा। तेल शैम्पू और एक लोशन खुद बना के भेजूंगा वो लगाइएगा इंशाल्लाह आपके बाल लंबे होंगे। एक काम और करें कि आप ना कड़ी पत्ता जो मैं तेल भेजूंगा उसमें मजीद डालें और लकड़ी का कंघा ले लें ओके उससे जरा सीधा सीधा किया ठीक है। डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं जी जी जी। अच्छा देखिए असर आज बड़ा इंपॉर्टेंट सा एक चीज करेंगे कि बहुत सारे जैसे टीनेजर्स होते हैं या एक देखिए टीनेजर्स में क्या होता है एक्ने के दाग होते हैं और थोड़ा बड़ी होती हैं खवातीन ओ हजरात ठीक है तो वो एक तो फेशियल कराते रहते हैं बहुत ज्यादा तेज ठीक है। और थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट 4 क्रीमें 5वीं चीज प्रेगनेंसी के बाद 6ठी चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जो कॉस्मेटिक आपने प्रॉपर रिमूव नहीं करती है ठीक है मेकअप रिमूव नहीं करती तो उनसे एक दाग पड़ जाते हैं उनके लिए बड़ा बेहतरीन घरेलू रेमेडी है और आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आएगा उसका ठीक है। अच्छा जी सबसे पहले हम आज घर की चीजें उसमें ऐड करेंगे बहुत सिंपल सा है ठीक है। अच्छा जी देखिए ये सबसे पहले होगा ये एक मैं लेकर आऊंगा एक कैप्सूल लेटेस्ट आया है और इसके अंदर बड़ी जबरदस्त पिंकिश ग्लो पिंकिश यानी गुलाबी ग्लो ग्लो शाइन ठीक है। तो आप 4-5 कैप्सूल पिंकिश ग्लो के ऐड करेंगे ठीक है गुलाबी चमक जी। सही है। अच्छा मेहरुनिसा की कॉल है चकवाल से बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मेहरुनिसा। वालेकुम सलाम जी मेहरुनिसा। डॉक्टर खुर्रम हमारे साथ हैं क्या कहना चाहेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम सर जी। अस्सलाम वालेकुम मिस मेहरुनिसा कैसे हैं आप ठीक ठाक हैं जी अल्लाह का शुक्र है जी। मैंने डाइटिंग की है उसकी वजह से मेरी स्किन है वो बहुत ज्यादा एक्ने से भर चुकी है जी और साथ डार्क सर्कल्स बहुत ज्यादा हो गए हैं। ओ अच्छा आप बहुत डाइटिंग करती हैं जी। डाइटिंग बहुत करती हैं आप जी। डाइटिंग देखिए अच्छा मैंने साहब को तंग करता हूँ आज मैं जरा वैसे ही चिढ़ा हुआ हूँ साहब को भी तंग कर रहा हूँ ना तो बस आप आज मैं गुस्सा जरा तंग करूंगा घबराइएगा नहीं कभी कभी हम कर सकते हैं ना। डाइटिंग का क्या मतलब है। डाइटिंग मेरा सर वेट बहुत ज्यादा बढ़ गया था 72 हो गया नहीं वो तो मुझे पता चल गया। डाइटिंग का मतलब क्या है कि डाइटिंग का मतलब क्या है बिल्कुल खाना पीना छोड़ दो या बहुत सारी बिरयानियां खाना छोड़ दो या फिर बिल्कुल सारा दिन फाके करो ठीक है या कुछ भी ना खाओ क्या है। सर मैंने फाका तो नहीं किया लेकिन मैंने खाना पीना छोड़ दिया था। देखा देखिए तो मेरे साहब फाका और किसको कहते हैं ठीक है। अच्छा देखिए एक काम करें आप सब कुछ खाएंगी सब कुछ खाएं ठीक है घर का खाना
दाल चावल रोटी मछली मुर्गी अंडा पुलाव बिरयानी सब खाएं, मगर बहुत तली हुई चीज़ें और बहुत सारी क्वांटिटी नहीं, थोड़ा सा खाएं, ठीक है? बिल्कुल मतलब 5-6 दफ़ा खाएं, खीरा खाएं, जब भी खाना खाया करें ना खीरा खाया करें उसके साथ, टमाटर खाया करें, ठीक है? इसबगोल की भूसी 3 times दे लें, अच्छा जैसे जो सिट्रस चीज़ें होती हैं ना, स्ट्रॉबेरी हो गई, चेरीज हो गई, ठीक है, वो ज़रूर खाया करें। और मैं आपको एक चीज़, अनिता को आज मैं बड़ी ड्यूटियाँ लगा रहा हूँ, मेरे ने सब में आपके लिए बिल्कुल खाना खाया करें, थोड़ा वॉक करें, घर का काम करें, आपको थोड़ा बुरा लगेगा मगर बहुत अच्छा बॉडी बनेगी, पोछा लगाया करें बैठ के, ठीक है? अच्छा मैं आपके लिए बड़ी ज़बरदस्त चीज़ भेज रहा हूँ, 3 times स्किन बेरी खाएंगी, ठीक है? आप पूरा महीना स्किन बेरी, उसके अंदर क्या है, क्रैनबेरी स्ट्रॉबेरी एक्सट्रैक्ट, उससे आपका मेटाबॉलिक क्लॉक जो खाएंगी वो हजम होगा, ठीक है? और एक क्रीम भेज रहा हूँ आपके लिए, सेलुसिन, ठीक है? पूरी बॉडी पे 2x a day मालिश करें और किसी एक टाइम ना बेल्ट बांधा करें, और घर का काम, पानी ज्यादा पीना है, फाके नहीं करने, ठीक है? बिल्कुल। अब मेरा वेट 45 है। अरे अब तो बहुत फिट हो गई हैं आप। अच्छा अब एक तो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, है ना? अरे जी, अब मेरी स्किन इस तरह लूज हो चुकी है, जिस तरह पहले व्हाइटनिंग थी अब व्हाइटनिंग नहीं रही और बिल्कुल स्किन में अभी 17 है। अच्छा अच्छा 17 है, आप बहुत छोटे हैं। डॉक्टर साहब वक्त हो जाते हैं एक छोटे से ब्रेक का, आपको हम जो हल है आपकी प्रॉब्लम का वो बताएंगे, ब्रेक के बाद कहीं में जाएगा, मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर पे। वेलकम बैक खवातीन रोज रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर खुर्रम मुशीर एक बहुत ही जदीद ट्रीटमेंट आपको बता रहे हैं जिससे आपके चेहरे की जो अनइवन स्किन टोन है वो बिल्कुल सही हो जाएगी और वन टोन हो जाएगी। जी डॉक्टर जी, अच्छा आज बड़ा एक बड़ा जदीद तो है मगर बड़ा एक होम रेमेडी सॉर्ट है, बड़ा माइल्ड है। और देखिए बहुत यंग स्किन के लिए आज हम बना रहे हैं, बड़े लोग भी, अच्छा देखिए यंग स्किन की जो चीज़ होती है वो बड़े लोग आराम से कर सकते हैं, ठीक है? मगर बड़े लोगों की जो ट्रीटमेंट्स होते हैं वो यंगस्टर्स नहीं किया करें, जैसे कि अम्माएं होती हैं बच्चियों की लगा देती है, स्किन थोड़ी एज कर चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो यंग तो बेबी स्किन या फिर वो यंग स्किन बड़े लोग लगा सकते हैं, वो डैमेजिंग नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा मगर नुकसान कोई नहीं, ठीक है? अच्छा जी, सबसे पहले मैंने डाले 3 to 4 पिंकिश ग्लो, ठीक है? और इसके अंदर क्या है, बहुत सारा ऐसी चीजें हैं जैसे कि फ्रेंच मेरीडाइम एक्सट्रैक्ट वगैरह जो आपके जिल्द को नेचुरली कुदरती तौर पे सुर्ख सफेद करते हैं, ठीक है? अच्छा जी, बिल्कुल आधा चमचा हम डालेंगे जी लहसुन अदरक का पेस्ट। अच्छा अगर ज्यादा क्वांटिटी डालेंगे तो बर्निंग होगी, ठीक है? तो बहुत कम, और ये बिल्कुल चेहरे के दाग धब्बे सब गायब करेगा, ठीक है? थोड़ा सा दूध डालेंगे 3 to 4 चमचे, ठीक है? बिल्कुल अच्छा, इसके साथ देखिए 3 चीजें। अच्छा इससे क्या होगा कि आपका चेहरा कंटूरिंग भी करेगा, ठीक है? अच्छा देखिए सबसे पहले डालेंगे जी इसके अंदर प्रिटी ग्लो, ठीक है? जिसके अंदर है टी ट्री ऑयल, ठीक है? इतना डालेंगे जितना आप टूथ ब्रश में टूथपेस्ट लगाते हैं, ठीक है? अच्छा साथ में ऐड करेंगे जी एक्निल, क्योंकि एक्नी मतलब कील मुहासे दाग धब्बे ना, इसके अंदर क्या क्या है, इसके अंदर एलोवेरा का एक्सट्रैक्ट है, ठीक है? ये देखिए बहुत सूदिंग, बहुत ठंडा, और साथ में डालेंगे 1 to 2 लौंगे, ठीक है? ये बड़ा आपको ठंडक देगी और दाग हटाएगी, और थोड़ी सी दालचीनी, और डॉक्टर साहब दालचीनी पाउडर भी यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ओके अच्छा, और देखिए थोड़ा सा खीरा और इसके छिलके समेत डालेंगे, क्योंकि वो आपको स्क्रबिंग करेगी नेचुरली, है ना? थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि ब्लेंड आराम से हो, और साथ में थोड़ा सा पानी और दूध और ऐड करेंगे, ठीक है? थोड़ा सा पानी डाल देता हूँ, ऐसे डालो ना। आप चाहते हैं कि थोड़ा पेस्ट थिक हो? थोड़ा थिक हो, गहरा ना। ओके क्योंकि मैं बताता हूँ उसकी वजह यह है कि जब तक थिक नहीं होगा आपके दाग धब्बे कैसे जाएंगे ना। बिल्कुल। और थोड़ा सा दूध, बस अब मैं आपके सामने ब्लेंड करके और लगाएंगे इंशाल्लाह। अब जो अगला हम करेंगे वो एक एक्सटेंसिव मशीन से करेंगे ना। ओके अभी
ये देखिए बड़ा ही सूदिंग बहुत ठंडक वाला एक पेस्ट तैयार है, ठीक है। और ये देखिए ये बड़ा फ्लफी सा और बहुत ही फोमी सा, और इससे देखिए आप कितनी जल्दी ये, और ये लगाएंगे हाफ एन आवर बेशक छोड़ सकते हैं, ठीक है। और डॉक्टर भी कितनी कब कब रिपीट करते हैं? ये ट्राइस वीक बिल्कुल, ठीक है। ये देखिए, अच्छा अब उनका देखिए बहुत ही यंग स्किन है, ठीक है, और एक्नी के दाग आ रहे होते हैं, डार्क सर्कल्स भी हैं जी बिल्कुल, और देखिए ब्लेमिशेस भी हैं, अनइवन स्किन टोन है कि कहीं पे है कहीं नया। ये देखें, आंखें बंद रखिएगा, ठीक है। अच्छा अगर बहुत अगर आप ये मेकअप अगर आप थेरेपी कर रही हैं और आपके चेहरे पे मेकअप है तो थोड़ा हल्का सा वॉश कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, नहीं तो कोई इशू नहीं है, मेकअप भी रिमूव हो जाएगा इससे, ठीक है। बर्निंग तो नहीं हो रही ना आपको, हल्का जलन तो नहीं हो रही ना? अच्छा, और ये आराम से आप करेंगे, अच्छा देखिए चेहरा जो है ना ये नहीं है, ठीक है, चेहरा ये है, ठीक है, और ये नेक। अच्छा अक्सर क्या होता है ख़वातीन के, ये तो बहुत यंग एज है कि उनका चेहरा बिल्कुल क्लियर होता है, ठीक है, और ऑगी स्किन होती है, गर्दन बहुत लटकी होती है, ठीक है, क्योंकि गर्दन की केयर नहीं करते हैं, ठीक है। अच्छा और आपका फेस, आपका नेक, आपका नेप ऑफ द नेक, गुद्दी, कान और पूरे आई सॉकेट, सारी चीज़, आँखें बंद रखिएगा वरना आपकी आँख में गया ना तो बहुत इरिटेशन होगी, ठीक है। अच्छा अब ये लगाया हमने, अच्छा अभी हम सिर्फ टेलीविजन की वजह से हम डेफिनेटली आधा घंटा नहीं छोड़ सकते, तो अभी मैं लगा के आपको रिमूव करके दिखाता हूँ। और डॉक्टर साहब इमीडिएट इफेक्ट भी आता है? जी बिल्कुल बिल्कुल, और देखिए सारी जो चीज़ें बहुत माइल्ड बहुत ऑर्गेनिक हैं, और जो क्रीम मैंने ऐड की हैं वो भी बहुत ऑर्गेनिक हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपकी स्किन बड़ी यंग और बहुत ही फ्रेश रहेगी, ठीक है। थोड़ा पानी निकाल लेते हैं डॉक्टर साहब, मुझे वैसे अपनी नॉलेज की एक बात बताएं डॉक्टर साहब, चेहरे के लिए चेहरे की जिल्द के लिए स्टीम लेना क्या बहुत बेहतर है? कुछ लोग एक्सेसिवली सिर्फ स्टीम लेते रहते हैं, बहुत गलत है, अगर बहुत ज्यादा लेते हैं तो आप, ठीक है। अच्छा। देखिए हर चीज जो है ना मॉडरेशन में, यानी दरमियाने चीज है, हर चीज लेके भाई आप एंजॉय भी करते हैं एक लिमिटेड उसमें ना, लोग हमारे यहाँ कोई चीज होती है जी एक्सट्रीम पे चले जाती है, जी व्हाइटिंग इंजेक्शन है, अरे भाई वो पता नहीं क्या कर देगा, वो एक आपकी बॉडी का पार्ट है, ठीक है। आप डॉक्टर से लगवाएंगे तो फिर तो सही है, मगर आप गूगल से मंगा के अच्छा अभी भी यकीन करें एक खातून अभी अमेरिका से आई, इतने बड़े बड़े डिब्बे लेके, वो फिलिपिनोज बेचते हैं वहाँ पे, वो उनसे मैंने खरीद लिए, आप ये लगा देंगे, मैंने कहा आप उन्हीं से लगवाएं, ठीक है, क्योंकि आप जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते, आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। देखिए ये चीज़ें, ये देखिए इलाज जो है ना आपका, ये देखिए आप दुपट्टा जाके कोई ऐसी खरीद सकते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। आप जाके ना कोई अपना बालों में हल्का सा कोई मतलब तफरी कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, मगर देखिए जो इलाज है ना ये बहुत ऑथेंटिक होना चाहिए, वरना आपकी जान का मामला है, ठीक है जी, ठीक है। अच्छा अच्छा आप देखेंगे बिल्कुल उसको एब्जॉर्ब हो गया, अब उसको क्लीन करेंगे आँखें, ये बड़ा अब ये देखिए कितना जल्दी शाइन आएगा ग्लो, क्योंकि वैसे भी नेचुरली बहुत ही यंग स्किन है तो जल्दी इफेक्ट आता है, टाइटन अप तो होने की जरूरत ही नहीं है ना जी। और देखिए सर्कल्स कितना तेज से गायब हो रहे हैं, सर्कल्स हो जाते हैं आप नेट पे ज़्यादा देर है, रात को जाग रहे हैं, और बहुत ज़्यादा जो हमारी कॉलर आई थी डाइटिंग करते हैं, फाका करते हैं डॉक्टर साहब लोग, फाका करते हैं। देखिए डाइटिंग का भी वही मतलब है, डाइटिंग का मतलब है भाई आप डाइटिंग का मतलब है आप खाएं हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट ले उसका मतलब लोग लो कार्ब डाइट कर रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा मोटे को हेल्दी कह रहे होते हैं और वो फिट को कहते हैं स्लिम है, ठीक है, बड़ा ऐसे स्मार्ट बहुत स्मार्ट जी। अच्छा देखिए ये अब पूरे फेस पे हमने लगाया, देखिए और इसकी कितनी यंग स्किन है और अभी कितनी जल्दी इसकी ग्लो करी है, नेचुरली एक दस्की सा एक ग्लो है बिल्कुल। अगर आप बिफोर एंड आफ्टर देखें, आप आंखें खोल सकती हैं अपने, आंखें खोल लीजिए जी, और आप एक बिफोर एंड आफ्टर देखें कि एकदम से चेहरे पे ग्लो और डार्क सर्कल, डॉक्टर साहब डार्क सर्कल इतनी जल्दी गायब हो जाते हैं? देखिए बहुत देखिए इसका अभी तो फॉर द टाइम बीइंग इफेक्ट है, क्योंकि अभी हमने किया है तो लिमिटेड लग रहा है, मगर दोबारा आएंगे वो डेफिनेटली, एकदम से आप करते हैं
अब खीरा रख लें या कोई क्रीम लगा लें तो फौरन चले जाते हैं फॉर द टाइम बीइंग। ये टाइम बीइंग है ठीक फॉर द टाइम। अब इसको मतवातर करेंगी तो एक रिजल्ट आएगा ठीक है। जैसे आप जिम से एक दिन होकर आते हैं तो आपको लगता है बॉडी बड़ी टाइटन अप हो रही है अच्छी, मगर वो खत्म हो जाएगी अगर आप करते नहीं रहेंगे है ना। तो आपको एक प्रोसेस एक रूटीन में करना बहुत जरूरी है। अब यकीन करें अच्छा लड़कों में भी एक बहुत ज्यादा है, एक जगह ट्रीटमेंट शुरू किया 6 दिन के बाद वो स्विच ओवर कर देते हैं तो उससे आपकी स्किन बड़ी डैमेज। और खवातीन और एक बहुत ही पते की बात यह है कि आप अपनी जो डाइट है जो आप खा पी रहे हैं वो भी आप एक डाइटिशियन से अप्रूव करवा सकते हैं कि मैं ये खा रहा हूँ ये नहीं खा रहा। बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत हेल्थ के इश्यूज होते हैं, कभी डाइजेशन का इश्यू होता है, ब्रीदिंग डिसऑर्डर होता है, हम कहते नहीं वो मैंने परसों रोटी खा ली थी तो इस वजह से मुझे ये हो गया। हम खुद ही एक डायग्नोस्टिक सेंटर अपने दिमाग में चला रहे होते हैं जो कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें एक डॉक्टर की निगरानी में रहना चाहिए। अगर कोई हेल्थ कंडीशन है, कोई आपकी बॉडी के साथ कोई चीज़ सही नहीं हो रही, आपकी ज़हनी सेहत के साथ अगर कोई चीज़ सही नहीं हो रही, अगर आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। अगर आपको डाइजेशन है बार बार, अगर आपको बर्प्स आ रही हैं, डकारें आ रही हैं, तो आप एक डॉक्टर का रुख करें। आप इस चीज़ को इग्नोर नहीं करें क्योंकि सेहत एक ऐसी चीज़ है जो कि आप सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे उसको सही नहीं कर सकते, आपको एक डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है। उसके लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत एंजॉय किया आपके प्रोग्राम को। और देखिए आज एक बड़े एक इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि कभी भी आप सेल्फ मेडिकेशन ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जी मोहल्ले के मशवरे, उसने ये बताया था या गूगल पे आया था, वो प्लीज़ अभी भी बहुत है। मैंने गूगल पे पढ़ा था परसों, तो पढ़ा था, वो तो कह रही थी आंटी उन्होंने, मैंने तो ये सुना है, मैंने तो वो सुना है। देखिए 1+1 2 ही होगा ठीक है, ये गालिब की शायरी नहीं है कि महबूब ये भी सोच सकता है वो भी सोच सकता है, ये मैथ्स और साइंस में 1+1 2 ही होगा, 22 नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खवातीन और हज़रात आप लीजिए एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा, उनसा शाह हमें ज्वाइन करेंगी, कहीं में जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार, हमारी किचन क्वीन सुबह से हमारे साथ हैं। और आपको पता है मेकअप बहुत ज़्यादा मतलब लग चुका है और फिर भी कोई फर्क तो बहुत पड़ा है। लेकिन कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? वैसे ही है ना जी, बदले बिल्कुल भी नहीं है ना, बदलना भी नहीं है बिल्कुल, हाँ ऐसे ही है। अच्छा जी, आज रेसिपी के बारे में बात करें, मेकअप के बारे में तो बहुत बात हो गई। स्पेगेटी बनानी है? वेरी नाइस। और गेस करें कुछ लेमन है यहाँ पे, कुछ क्रीम है यहाँ पे, स्पेगेटी है यहाँ पे, तो क्या नाम होगा इस रेसिपी का? लेमन क्रीम स्पेगेटी। लेमन, मैंने नाम ही पूरा बोल दिया, आप तो गेस ही कह रहे हैं। स्पेगेटी, यस। अच्छा थोड़ा स्वीट डिश है ये? क्यों, स्वीट डिश में लेमन डलता है? हाँ डलता है, ऑफ कोर्स। लेमन टार्ट स्वीट डिश नहीं है? हाँ होती है बिल्कुल, लेकिन इधर शुगर नहीं है। शुगर नहीं है, है ना, है ना? तो ये अगर शुगर होती, हाँ बिल्कुल। अच्छा कल खाया था ना चिकन? हाँ खाई थी ना, ग्रीन कढ़ाई। शेफ मनीष साहब किस तरह बात कर रही है मेरे से, अल्लाह जैसे मालिक, जैसे मालिक मकान बात करते हैं। हाँ अभी परसों ही तो सही करवाया था। अम्मी अभी ऐसे ही बात करती है। अभी कल खाया था ना, तो बहने जो है ना वो माँ का रूप होती है ना, रूप होती है, बस मैं वही वाली माँ का रूप हूँ। खवातीन और हज़रात आप तक ये सेगमेंट पहुँचाने में हमारे साथ ताउन किया है फोर्टाइल ने, फोर्टाइल का बहुत बहुत शुक्रिया। और फोर्टाइल के जितने भी अप्लायंसेज होते हैं वो देर पा होते हैं, बहुत पायदार होते हैं, आप लोग भी अपने घरों में फोर्टाइल को ज़रूर इंस्टॉल कीजिए जी। बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। अच्छा रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं, जल्दी से हमारे व्यूअर्स को बताते हैं जी कि हम क्या क्या शामिल कर रहे हैं इसमें। अच्छा जी, मैं इसके अंदर जो है वो बटर शामिल कर रही हूँ, थोड़ा सा बटरी सा फ्लेवर आएगा इसका, बहुत ज़्यादा इन्ग्रीडियंट्स नहीं ऐड होते इसमें, लेकिन मज़े का बहुत बनता है ये, ठीक है। तो आजकल जो है वो आजकल के जो बच्चे हैं उनको बड़े स्पेगेटी और पास्ता और ये बड़े पसंद है। और आपको हम लोग थोड़ा सा इनकरेज भी करते हैं कि वीगन डाइट्स होनी चाहिए, रोजाना आपको किसी जानवर को मारने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर के जानवर को मारिए, अपने अंदर के जानवर को मारिए, ये बहुत अच्छी है ना। मैं आपके साथ 100% है ना, जरूरी नहीं कि आप रोजाना कोई मीट खा रहे हो, रोज मीट खाने की जरूरत नहीं होती, बेतहाशा गजाइत होती है सब्जियों में,
बिल्कुल जी ऐसा ही है। और इसके अंदर हम शामिल करेंगे गार्लिक, इसको हम सौते करेंगे, गोल्डन करेंगे। बहुत क्विक सी मज़ेदार सी रेसिपी है। स्पगेटी हमने जो है वो बॉईल करके रख लिए थे। हमेशा बताती हूँ, जब भी स्पगेटी बॉईल करें आप जो है पानी उबाल लीजिए, उसमें नमक शामिल कर दिया करें। जब पानी में बॉयल आ जाए तो स्पगेटी उसके अंदर शामिल करें, नूडल्स पास्ता व्हाटएवर जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो उसके अंदर शामिल करें। और जब वो डन हो जाए तो उसको स्ट्रेन करें, ठंडे पानी से दोबारा स्ट्रेन करें, उसको ठंडा कर लीजिए और उसके ऊपर ऑयल अपने हाथों में लगा के उसके ऊपर ऑयल लगा दीजिए, या थोड़ा सा ऑयल उसके ऊपर डाल के उसको कांटे की मदद से मिक्स कर दीजिए, तो जो है ना स्पगेटी कभी भी आपके चिपकेंगे नहीं। ये देखें बिल्कुल सेपरेट हैं, ठीक है। और ये जैसे ही हमारा जो है यहाँ पे गार्लिक जो है वो गोल्डन होगा, खुशबू आएगी, तो इसके अंदर जो है हम बाकी के जो हमारे रिमेनिंग इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देंगे। अच्छा एक सवाल पूछूं इस पर आपसे जी प्लीज, ऐसी क्या चीज़ है जो हम जितना भी खा लें वो पूरी ही रहती है? पूरी। अरे वाह भाई, बड़ा अच्छा, पहले मेरा जितना भी खा ले पूरी पूरी तो पूरी हलवा पूरी। अरे वाह, आज तो फिर आप जीत गए। लेकिन उसको बहुत लोग पूरी कहते हैं, वो थोड़ा सा जबान का वो होता है। पूरी एक्चुअली वर्ड नहीं है, पूरी ही वर्ड है, पूरी है ना जी। आप बताएं पूरी होता है? शेफ मुनीजा मुझे और बहुत सारी बेहतर चीजें जो मैं थी पूरी हो या पूरी है तो खाने की चीज़ बिल्कुल है ना। सही नहीं कह रहा आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कभी गलत कह सकते? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन खवातीन और हजरात, मैं हमेशा से एक ख्वाहिश मेरी ज़ाती तौर पे रही है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है जो हमारा प्रोग्राम देखती है, हम बहुत सारी वो वाली बातें करते हैं जो कि उनके एरा की नहीं होती, थोड़े से माजी की होती हैं, लेकिन वो शानदार लोग जो कि पाकिस्तान की माजी में गुजरे हैं, जिन्होंने नाम बनाया है, एक इम्पैक्ट छोड़ा है, आप गूगल की मदद से उनके बारे में, उनकी ज़िंदगियों के बारे में, उनके काम के बारे में, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन की है पाकिस्तान में अपने काम से, उसके बारे में जानिए। पाकिस्तान टेलीविज़न इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम, एक बहुत ही खूबसूरत अदाकारा खालदा रियासत साहिबा, आज उनकी 26वीं बरसी है। 60 70 80 तीन दहाइयों में उन्होंने बेतहाशा PTV पर काम किया। ब्रेस्ट कैंसर की वजह से उनकी सिर्फ 43 साल की उम्र में वफात हो गई, हमें छोड़ के चली गई। उन्होंने जो बहुत शानदार ड्रामों में काम किया उनमें धूप, दीवार, बंदिश और हाफ प्लेट शामिल है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर में एक सड़क, एक चौराहा उनके नाम किया है। और हमारी यही दुआ है कि खालदा रियासत को अल्लाह ताला अपने जवार रहमत में जगह दे। लेकिन ख़वातीन और हज़रात, उसके साथ साथ एक आगाही की बात यह भी है कि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही मोहलक बीमारी है। जितनी भी ख़वातीन हैं, जितनी भी बच्चियां हैं, जितनी भी नौजवान नस्ल की ख़वातीन हैं, आप टाइम टू टाइम अपना चेकअप कराते रहिए, डॉक्टर्स के पास जाते रहिए, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक रियलिटी है और बहुत ज़्यादा अमवात की वजह होती है। और आप नहीं चाहेंगे कि आपके प्यारे आपसे जुदा हों। और अगर आप लोग कोई भी एक सेंसिबल मर्द हजरात हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपके जो फैमिली में ख़वातीन हैं उनको प्लीज़ आप ब्रेस्ट कैंसर के चेकअप्स के लिए वक्तन फवक्तन डॉक्टर्स के पास ले जाते रहिए। जी शेख मुनीजा, बिल्कुल ऐसे ही है। और बिल्कुल इस चीज़ का ख्याल कीजिए आप लोग खासतौर। और हमारे सेट के ऊपर एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ हो रही है, दो ख़वातीन बातों में इतनी ज़्यादा खोई हुई हैं कि उन्हें पता भी नहीं चल रहा कि यहाँ क्या हो रहा है। प्लीज़ मेरे साथ आइए और ये देखिए यहाँ पे जो बातें चल रही थी, मैं उनमें खलल पैदा करने के लिए आ चुका हूँ। हमारे साथ है उनसा शाह और कुरातुलैन। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग। खलल नहीं पैदा किया आपने कबाब में, हड्डी वाला है ना, हड्डी का रोल अदा कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा एक इंटेंस, हाँ बहुत इंटेंस गुफ्तगू चल रही थी यहाँ पे, बातें हो रही थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे क्योंकि अगर वो टैरो कुरातुलैन करा रही होती तो टैरो तो खुले हुए होते स्टार्ट ही किया था। नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया ना, विदाउट टैरो भी मैंने आपको कुछ बताया, बहुत सारी चीजें, कि नंबर आपका जो 15 है, बर्थ नंबर इनका 15 है, तो उससे 6 नंबर बनता है, 6 नंबर वीनस प्लैनेट का होता है। तो मैंने इनको यही कह रही थी कि आपको ये क्रिएटिव जो लग्जरी और जो खूबसूरत चीजें आपको पसंद है, तो वो कह रहे थे हाँ आपको खूबसूरत चीजें पसंद है, आपने मुझे कभी बताया ही नहीं। कुरातुलैन आजाद, हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मजा आएगा भी। कुरातुलैन उनसा और शमरी हमारे साथ हैं, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। बेहतरीन, वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुश आमदेद कहते हैं। कुरत हमारी जो जीनियस है वो हमारे साथ मौजूद है। और कुरत एक बजट के अंदर रहते हुए ज़्यादातर कुरत 10,000 के नीचे और 5,000 के नीचे
चीज़ों को रिवैम्प करती हैं, पुराना जो फर्नीचर है जो हम आपको कहते हैं मत फेंकें, हम तक भेजें, हम उसको रिवैम्प करके आप तक दोबारा पहुंचाएंगे। और बहुत जल्द कुरत और मैं आप लोगों के घर आ रहे हैं एक कॉर्नर या एक कमरा सही करने के लिए आप ही के घर के सामान से और थोड़े से बजट के साथ, तो आप बिल्कुल परेशान मत हो। अभी कुरत ने क्या किया है, आपको याद होगी ये टेबल जो कि हमारे सेट पे हुआ करती है और मैं और उनसा इसके ऊपर टैरो कार्ड का सेगमेंट करते हैं हमेशा से, कुरत ने ये टेबल रीवैम्प की, आपको चल के मेकिंग दिखाते हैं टेबल कैसे रीवैम्प हुई। कुरत के लिए जोरदार तालियां, क्या बात है, अमेजिंग। कुरत क्या बजट लगा इस मेज को सही करने में? 5400 that's it। और आप देखें ये मेज बिल्कुल नहीं लग रही है, मुझे कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन के साथ मैंने थोड़ा सा प्ले किया, ठीक है। ब्लू आपके सेट पे बहुत ज्यादा था, हाँ। तो मैंने ब्लू को यूज किया, हाँ। और उसके साथ एक नया कलर ऐड किया, हाँ। पिंक, कलेजी कलर एंड व्हाइट, कलेजी कलर से कहते हैं ना, है ना, थोड़ा कलेजी कलर है ये, बहुत खूबसूरत। अच्छा मुझे अच्छा जो लग रहा है कि एंटीक लग रही है, एंटीक लुक के साथ एंटीक लग रही है। और ये दो शेड्स आ रहे हैं ना, दो शेड पिंक भी है और इसमें सिल्वर व्हाइट, बिल्कुल। और कोई कह नहीं सकता ये वही टेबल है जो पहले थी। हां खवातीन आजाद, घर में आपका जो पुराना फर्नीचर है आपने नहीं फेंकना, हम सब को। अच्छा कुरन आपने बहुत सारी चीजें चेंज की, मुझे याद है जब ये टेबल चेंज हुई थी, ये टेबल चेंज हुई, हाँ। थी आपकी, उसके बाद हमने ये साइड आपने साइड बोर्ड चेंज किया था, फिर ये सारे मैंने आपके सेट पे भी कोई चेंजेस किए हैं। प्लीज लेट्स हम एक सेट का टूर कुरत के साथ करते हैं, आइए कुरत सबसे पहले बताएं आपने क्या क्या चेंज। सबसे पहले तो मैंने इस एरिया के अंदर आपके लिए ये फ्लोर चेंज किया, क्योंकि आपका जो कार्पेट था नेवी ब्लू का था, बिल्कुल, तो मैंने सोचा कि बहुत सारी चीजें ब्लू हो चुकी हैं तो उस ब्लू कार्पेट को रिमूव करते हैं। फिर मैंने वुडन फ्लोर चूज किया, तो ये आपका मैंने वुडन फ्लोर कर दिया। उसके साथ मैंने आपकी ये टेबल भी प्लेस कर दी है, आपके थोड़े से कुशन्स के अंदर कलर ऐड किया, और फिर हम चलते हैं पीछे एक वॉल की तरफ, बिल्कुल जैसे ये वॉल है जैसे ये वॉल है जी। मैंने इस वॉल के साथ ये किया कि जो ब्रिक वॉल थी, ब्रिक वॉल को चेंज करके मैंने इसको सॉलिड कलर कर दिया ब्लू, और ब्लू के साथ मैंने वाइट चूज किया क्योंकि वाइट थोड़ा सा उसको कॉम्प्लीमेंट करता है। और अब आप देखें इसके ऊपर कुछ प्रॉप्स रख दिए हैं जो कि कलरफुल हैं, बहुत इंग्लिश लग रहा है, जैसे इंग्लैंड में जैसे होता है, बिल्कुल। और फिर आपने मेरी फेवरेट चीज पॉप आर्ट, पॉप आर्ट ये आपकी पूरी पिक्चर वॉल बना दी है, हम इस पे चेंज भी करते रहेंगे आपके मूड के हिसाब से, ठीक है। और
ये थोड़ा सा मैंने इसमें कलर ऐड किया क्योंकि ये ग्रे ग्रे की वॉल थी, तो मैंने सोचा कि पॉप आर्ट आर्ट ऐड करके, और आपको पॉप आर्ट पसंद भी है। मुझे बहुत पॉप आर्ट पसंद है, आप क्रेजी हो। एंडी वॉरहॉल इज माय फेवरेट आर्टिस्ट, और मुझे पॉप आर्ट हमेशा से, मुझे लगता है वो उसका एक्सप्रेशन और कलर बहुत ज्यादा जबरदस्त है, आपके मूड को चेंज करता है, एनहांस करता है, बिल्कुल एनहांस करता है। फिर हम आगे चलते हैं, मैंने कुछ प्लांट्स, मनी प्लांट यूज किए, वेरी नाइस। और अब आप देखिए इस वॉल को मैंने पूरा कवर कर दिया है और एक सजीवी वॉल लग रही है, बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है पूरी वॉल। प्लीज इस वॉल का क्लोजअप बनाइए, आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त चेंजेस इस वॉल पर हुई है, वेरी नाइस। तो बेसिकली ग्रे और ब्लू शेड मैंने आपके सेट पे बैकग्राउंड में प्लेस किया हुआ है, और हम उसके आगे चीजें कलर में प्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो फोरग्राउंड हमारा कलरफुल है और बैकग्राउंड हमारा थोड़ा सटल है, जबरदस्त, क्योंकि ग्राउंड हमें एक लगाना होता है। हम जब किसी रूम में भी काम करते हैं तो हमें बैकग्राउंड एक चूज करना होता है, उसके बाद फिर आप चीजें आगे अपनी अपोस्ट्री अपनी फर्नीचर के अंदर लुक चेंज कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, हैंड माइक कुरत आप ले लीजिए, हाँ हाँ, सिंगल ड्रॉप हो रहा है। अच्छा कुरत, मुझे एक बात ही बताएं, अब हम अगला क्या कर रहे हैं? जो नेक्स्ट हम कर रहे हैं वो मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, ठीक है, उसके लिए मंडे तक हमारे इंस्टाग्राम पेज पर आप, बिल्कुल ठीक है। तो मंडे को द मॉर्निंग स्टार के इंस्टाग्राम पेज पे शो के बाद मैं और कुरत लाइव जाएंगे, और आप लाइव देखिएगा कि हम लोग कौन से अगला जो फर्नीचर है हमारा जिसको हम रीवैम्प कर रहे हैं, बहुत जल्द मैं और कुरत आएंगे आपके घर, आएंगे और हम एक कमरा डेकोरेट करेंगे, और आई थिंक 10 या 12 सितंबर से हम अपनी ये कैंपेन स्टार्ट कर रहे हैं। शेफ मुनीजा से वहाँ हाथ ला रही हैं कि मेरा घर भी मौजूद है। नहीं शेफ मुनीजा, ये जो ऑफर है ये सिर्फ हमारी ऑडियंस के लिए है। मैं भी तो यहाँ से ऑडियंस ही हूँ ना। हाँ, और क्या, हमारा घर पहले होना चाहिए। हाँ, तो यू हैव टू पे, पैसा दे गया मेरे को वहाँ। अच्छा वहाँ पूरा आ जाए भाई, चलो चलो, गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले से मौजूद है यहाँ पे। हाँ हाँ, कसम से। लेकिन देखिए अच्छा अच्छा खाना मैं क्या पकाऊं, क्या खाएंगी? अब आप बनाए बगैर गोश्त का खाना, अब आप वो खुद खाए। अच्छा खवतीन हजरात, आप लोगों के घर हम आएंगे और आप लोगों के घर का एक कमरा, आपका ड्राइंग रूम, आपका बेडरूम, स्टडी, जो भी आप आइडेंटिफाई करके रखें, और आप ही के घर के फर्नीचर को रीवैम्प करके कुरत और मैं वो कमरा रीडेकोरेट करेंगे, रीडिजाइन करेंगे। आई थिंक मिड सितंबर से हम ये कैंपेन शुरू करें। आप अपनी जो तस्वीरें घरों की, कमरों की, फर्नीचर की, वो आप हमें इंस्टाग्राम पे इनबॉक्स कर सकते हैं, और कोई भी फर्नीचर है उसको मत फेंकिए। आपने इतनी मेहनत से लिया होगा, वो लकड़ी कहाँ से आई होगी, किस दरख्त ने अपनी जान दी होगी और वो लकड़ी आपके घरों तक पहुँची होगी फर्नीचर के रूप में, उसको फेंकिए नहीं, वो हम तक पहुँचाइए और कुरत उसको रीवैम्प करके, रीस्टाइल करके, एक रीमिक्स करके आप तक दोबारा पहुँचाएंगे। मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि सही बताए आप एक्साइटेड हैं। तो वो जो आपने एक यतीम पास्ता बनाया ना, मैं मेरे घर का बारी, इनको तो छोड़े, आपका बारी। अच्छा शेफ मुनीजा, मुझे एक बात बताएं, हम आपके घर आते हैं, आपको क्या रिवैम्प कराना है अपने घर? मैं एक्चुअली अपने रूम को थोड़ा सा करना चाहूंगी। ये सेल्फिशनेस की इंतहा, घर में हस्बैंड की स्टडी भी है, वो नहीं। छोटे बच्चों के कमरे हैं, नहीं एक लाउंज है, वो भी नहीं। खुश होंगी तो पूरी फैमिली खुश होगी ना, है ना? यार हमने मिरर लगाने का इनको आइडिया दिया था कि सारे रूम में मिरर लगा दे। हमने कहा था जब मुझे थे कि सारे रूम में चारों तरफ आईना लगा दें ताकि आप खुश रहें, अच्छी कंपनी भी रहेगी, अच्छी कंपनी रहेगी, बिल्कुल अपनी सोबत ज्यादा अच्छी होती है। एक बड़ा मशहूर गाना था सुरैया भोपाली फिल्म का, जिस तरफ आंख उठाऊं तेरी तस्वीर है। अब आप कहेंगे जिस तरफ आंख उठाऊं मेरी तस्वीर है, ऐसे ही है ना, ऐसे ही होना चाहिए कि अपने आप में खुश रहना चाहिए। चाहे इर्द गिर्द के लोग कुछ भी कहते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इर्द गिर्द क्या सर, मैं ही हूँ एक गिर्द, गर्द गर्द के लोग जो कहते रहे। लेकिन खवातीनो हजरात, शेफ मुनीजा का भी, ऑफकोर्स शेफ मुनीजा हमारे शो का एक बहुत ही इंटेग्रल हिस्सा है, और हम ये भी कर सकते हैं कि हम डमी के तौर पे पहला जो घर है वो शेफ मुनीजा का डेकोरेट करें। लेकिन आप लोग अगर चाहते हैं कि आपका घर हम लोग डेकोरेट करें, कोई कोना, कोई भी हिस्सा हम उसको सही करके बताएं, तो आप हमें अपनी तस्वीरें इंस्टाग्राम पे भेजिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं कुरत, हमारा कोई बजट होगा कि हम इस बजट के कंस्ट्रेंट के अंदर रहते रहते करेंगे? हाँ वो हम अनाउंस करेंगे, ठीक है, और पिक्चर्स हमारे पास जब आना शुरू होंगी हम उनको देखेंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम बजट भी डिसाइड करेंगे, और वो होगा बिल्कुल।
फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें आगे क्या करना है, क्या करना है। अच्छा, एक चीज़ और खवातीन और हज़रात जो कि मैं बहुत मानता हूँ और आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि कभी भी कोई भी कमरा जो है ना उसको ज़्यादा लादिए नहीं, है ना, फर्नीचर से। आई थिंक वो जगह जगह का फ़र्क होता है। मैं मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ घरों में शूट करता हूँ, अलग अलग कभी यू नो इंटीरियर पंजाब में शूट करता हूँ। आई थिंक वो कल्चरली भी एक चीज़ बड़ी काउंट करती है कि कुछ लोग लाद ना समझते कि सच गया, कि हर कॉर्नर आपको फिल करना है। हाँ, हर चीज़ डालें ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, आप स्पेस देखें, स्पेस के हिसाब से अपना फर्नीचर डिसाइड करें, कम चीजें रखें। हाँ, लेकिन अच्छी एलिगेंट, अच्छी हाँ एलिगेंट चीजें हो और वो लाइट लगे, ब्रीदिंग स्पेस होनी चाहिए। कौन सी जगह पे क्या चीज रखनी चाहिए, क्योंकि इफेक्ट्स होते हैं, एनर्जीज होती हैं, हर कॉर्नर की अपनी एनर्जीज होती हैं कि आपको साउथ में क्या रखना चाहिए, वेस्ट में क्या रखना चाहिए, नॉर्थ में क्या रखना चाहिए, तो ये बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अच्छा, सही बताया उनसे। जी बिल्कुल, जैसे कलर्स की एनर्जी है, जैसे आपने बहुत ज्यादा ब्लू यूज किया है तो अब आपके लिए फायदा है कि आप सुबह सुबह जब आएंगे आप ब्लू कलर देखेंगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, कम से कम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। अच्छा, अगर कोई शख्स आपको बहुत नापसंद हो और वो ब्लू कपड़ों में आए तो फिर उसको देख के गुस्सा नहीं आएगा। वैसे मुझे लगता है कि गुस्सा आपका ठंडा हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल सही बात है। जिस तरह बेड जो है वो कौन से कॉर्नर, हम कभी ऐसा भी प्रोग्राम करेंगे कलर्स पे और वास्तु पे कि इस कॉर्नर पे क्या रखना चाहिए, उसके क्या एनर्जीज हैं, यहाँ पे चेयर्स होनी चाहिए, यहाँ पे बेड सेट होना चाहिए, तो सोने वाली जगह कहाँ होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी बात है वैसे। हाँ, और तो आई थिंक वो हर घर का एक कंपस हम करके कि नॉर्थ कहाँ पड़ रहा है, साउथ कहाँ पड़ रहा है। I think south... कंपस तो हर फोन में आजकल अवेलेबल है। हाँ, आप सेंटर में खड़े होके कंपस देख सकते हैं कि साउथ कॉर्नर कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है। इस तरह जो है फैमिली में एक हैप्पीनेस भी आ सकती है, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं। काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं कि बेड के जो नीचे कचरा वगैरह जमा कर देते हैं, पुराने कपड़े रख देते हैं, जूते रख देते हैं, ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है आपके रिलेशनशिप में, मियां बीवी के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन हाँ, बेड के नीचे काफ़ी लोग पैसे भी तो छुपाते हैं, उससे क्या होता है? नहीं, मैं ये कहती हूँ कि बेड के नीचे जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कुछ भी ना पैसा होना चाहिए ना ही कोई कचरा होना चाहिए। और जूते तो बिल्कुल मत रखें। हाँ, मैं भी ये मानता हूँ इस बात को, क्योंकि ऑफकोर्स कहीं कहीं उनसे ये भी होता है ना, लोगों की स्पेस कम होती है घर में, तो वो बेड के नीचे की जो जगह होती है उसको यूटिलाइज करते हैं, बक्से डाल देते हैं और बहुत पुरानी पुरानी चीजें भर देते हैं। लेकिन ये एक पते की बात है, उनसा ने हमसे कही है। एंट्रेंस जो है वो भी आपकी अच्छी होनी चाहिए। कुछ लोग शूज रख देते हैं, मस्जिद बना देते हैं, आगे इतने सारे जूते रख देते हैं, नहीं उनको एक जगह होनी चाहिए, और झाड़ू वगैरह रख देते हैं, सफाई के सामान रख देते हैं एंट्रेंस पे, तो वो आप एंट्रेंस तो आपकी जो है वो एक पॉजिटिविटी एंटर होती है आपके घर में, और वहाँ पे बहुत केयरफुल अगर आप ऐसी चीजें रखेंगे तो ऑब्वियसली पॉजिटिविटी कैसे आएगी। बिल्कुल, तो स्टोरेज के बहुत सारे सॉल्यूशंस देंगे। बिल्कुल सही बात है। और खवातीन और हज़रात मंडे को शो के बाद कुरत में लाइव जाएंगे इंस्टाग्राम पेज से, आपको बताएंगे हम किस प्रोजेक्ट पे काम करें। कुरत, थैंक यू सो मच। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है कि आप एक बहुत ही बाशऊर, एक कॉन्फिडेंट और एक इतनी क्रिएटिव खातून है, और यू नो द वे यू रीडू द सेट हमारे ही फर्नीचर के साथ कमेंडेबल है। थैंक यू वेरी मच। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से? ओवर टू सशा जी। थैंक यू सो मच असफर। और फर्स्ट जो स्टार है वो है एरीज, और एरीज से स्टार्ट कर दें, जिनका जोडिएक एरीज है, जिनका स्टार, जिनका सन साइन एरीज है, उनके लिए जो रिलेशनशिप की अगर बात करें तो क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही। एक तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स उनके माइंड में रहेंगे, और कुछ मुझे लगता है कि आपकी फैमिली में लोग जेलस हैं, आपसे जेलस हो सकते हैं, और फैमिली के बाहर दोस्त जो हैं वो भी जेलस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा उनसे आपको केयर करने की ज़रूरत है।
एरीज वाले इस हफ्ते जो हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत काम रहेगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं, हार्ड वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अगर गोल आपने सोचा हुआ माइंड में है तो वो अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं। टॉरस टॉरस वाले जो हैं रिलेशनशिप, यानी कि टॉरस जिनका स्टार है उनके लिए शादी की सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, फैमिली ट्रैवलिंग भी हो सकती है। काम के हवाले से टॉरस वालों की थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी है, काम में रुकावट ब्लॉकेज हो सकती है, काम में डिले भी हो सकता है। और डिप्रेशन, सेहत का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है क्योंकि टॉरस वाले डिप्रेशन एंजाइटी का भी शिकार हो सकते हैं। टॉरस के बाद है जेमिनी, और जेमिनी वालों के लिए रिलेशनशिप में बहुत अच्छी एनर्जी है। एक तो जेमिनी वालों के शादी के अगर मसले मसाइल हैं तो वो सॉल्व हो जाएंगे। दूसरा ये है कि अपने गुस्से पे आपने काबू पाना है, कंट्रोल करना है अपना एंगर इशू। अभी भी मैं असफर को कह रही थी कि गुस्से को कंट्रोल ज़रूर किया करें, और पेशेंस जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके जो काम के जो मामलात हैं उनको बैलेंस करें। आपको टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वक्त पर उठें और वक्त पर अपना काम जो है वो कंप्लीट करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर किसी काम में डिले हो रहा है तो परेशान नहीं हो, हर चीज़ का एक टाइम होता है, उसी जो है वक्त पर वो चीज़ होती है। जेमिनी के बाद है कैंसर, और कैंसर वालों के भी शादी के काफ़ी चांसेस नज़र आ रहे हैं। अगर पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे, कॉन्फ्लिक्ट्स लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है। घर में काफ़ी ज़्यादा सुकून हैप्पीनेस नज़र आ रही है। और उसके अलावा काम में भी जो है वो कैंसेरियंस विश कम ट्रू का कहीं जॉब वगैरह भी मिल सकती है। कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। पैसे बहुत सोच समझ के खर्च करें क्योंकि कैंसर वालों का खर्चा इस हफ्ते काफ़ी होगा। कैंसर के बाद है लियो, लियो वालों के लिए भी मैं यही कहूँगी कि गुस्सा जो है लियो वालों को बहुत आएगा। सेहत का आपने बहुत ख्याल रखना है। अगर ब्लड प्रेशर वगैरह के इश्यूज़ आपको हैं तो वो उसको आपने उसका ख्याल रखना है। दूसरा ये है कि इनकी एनर्जी बहुत अच्छी है, बस अपने गुस्से पे काबू करें। ज़्यादा ज़िद बहस नहीं करनी है घर में फैमिली के साथ पार्टनर के साथ। अच्छा, लियो वालों के कुछ चेंजेस नज़र आ रहे हैं काम के हवाले से। कोई जॉब स्विच कर सकते हैं, बिज़नेस एक होगा हो सकता है कोई और बिज़नेस स्टार्ट करें, कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नज़र आ रही हैं लियो वालों के लिए। लियो के बाद है वर्गो, वर्गो वाले जो हैं वो रिलेशनशिप में सिंसियरिटी मांगते हैं। वर्गो वाले थोड़ा सा आपका पार्टनर डाउटफुल हो सकता है या आपके साथ जो हैं ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, तो उसके अलावा कुछ नया स्टार्ट, कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है वर्गो वालों की। लेकिन थोड़ा सा टफ वीक रहेगा काम के हिसाब से, कुछ रुकावट कुछ डिलेज भी आ सकते हैं। वर्गो के बाद है लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए आप कानों के कच्चे हैं, बहुत जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। और सोच समझ कर फ़ैसला किया करें, दूसरों की बातों में ज़रा कम आया करें, अपना दिमाग भी इस्तेमाल किया करें। और और ये है कि कोई भी डिसीशन लेने से पहले थोड़ी सी अपनी भी अपना भी दिमाग होना चाहिए। अच्छा, काम के हवाले लिब्रास का अपना दिमाग नहीं होता, लिब्रास का अपना दिमाग होता है लेकिन वो जल्दी दूसरों की बातों में आ जाते हैं। ऐसा है क्या? ये बात होती है। तो अच्छा, काम के हवाले से न्यू बिगिनिंग नज़र आ रही है, कुछ नया स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी एक्साइटेड होंगे। हो सकता है ट्रैवलिंग भी हो सकती है लिब्रा वालों की, या कोई भी नया काम, क्योंकि लिब्रा वाले काफ़ी क्रिएटिव होते हैं और जब तक कोई काम ना करें वो उनको सुकून नहीं मिलता। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो वालों के घर में चोरी हो सकती है, तो अपनी चीज़ें जो कीमती चीज़ें हैं, कैश है, ज्वेलरी है, डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत आपने उसका हिफाजत करनी है। और उसके अलावा स्कॉर्पियो वालों का कुछ ब्रेकअप वगैरह के भी चांसेस हैं, पार्टनर के साथ प्रॉब्लम्स कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं। तो अगर बहस हो रही है या अगर आपका पार्टनर गुस्से का इजहार कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो आपको अपने आप को खामोश रखना है, बहस नहीं करनी है, उसको जवाब नहीं देना है। काम के हवाले स्कॉर्पियंस की एनर्जी स्लो नज़र आ रही है, काम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ नज़र आ रहा है। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन काम वैसे नहीं चल रहा जैसे चलना चाहिए। तो स्लो ग्रोथ है लेकिन स्टेबिलिटी है। अच्छा, स्कॉर्पियो के बाद है सेजिटेरियस, सेजिटेरियस वालों का कोई रिश्ता आ सकता है, बहुत अच्छा रिश्ता आ सकता है। शादी की
तरफ चीज़ें जाती हुई नज़र आ रही हैं, कोई आपको प्रपोज कर सकता है और कोई फ्रेंड आपको कोई गिफ्ट कर सकता है, और अगर नाराज़गी हो गई है आपकी किसी दोस्त के साथ, पार्टनर के साथ, तो वो हो सकता है आपको आकर मना सकता है। काम के हवाले से पार्टनरशिप सेजिटेरियस वालों के लिए बहुत बेस्ट रहेगी। किसी दोस्त के साथ पार्टनरशिप पर काम करें तो बहुत अच्छा है, अगर ऑलरेडी काम कर रहे हैं पार्टनरशिप पे तो आपके लिए वो भी बेस्ट है, और कोई और अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये टाइम ज़बरदस्त है। सेजिटेरियस के बाद है कैप्रिकॉर्न जो है वो ट्रैवलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और सेलिब्रेशन टाइम, किसी शादी में शरीक हो सकते हैं, किसी दोस्त की शादी हो सकती है, आपके घर में शादी हो सकती है, आपकी अपनी शादी हो सकती है, सोशल्स काफ़ी ज़्यादा सोशलाइजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न। और यहाँ पर मुझे बिज़नेस मीटिंग्स भी नज़र आ रही हैं, अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है जॉब के लिए तो आपको इंटरव्यू कॉल आ सकती है, और बिज़नेस मीटिंग्स हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा इंटरेक्शन नज़र आ रहा है आपका कैप्रिकॉर्न के बाद है। कैप्रिकॉर्न के बाद है एक्वेरियस, और एक्वेरियस वाले काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज, डबल माइंडेड नज़र आ रहे हैं, किसी के साथ फटा भी हो सकता है, तो लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहने की ज़रूरत है, आर्गुमेंट मत करें। और जो है वो एक्वेरियस वाले कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, कोई इम्पॉर्टेंट फैसला ले सकते हैं, अगर आपके कोर्ट में केसेस वगैरह चल रहे हैं तो आपके फेवर मिल सकता है। पाइसिस हमेशा रह जाता है, लेकिन पाइसिस वालों का भी ज़बरदस्त एनर्जी अच्छी है, लव लाइफ, कैरियर वगैरह सब अच्छा रहेगा। थैंक यू अमित उनसा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों को पता चल गया आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। आशा पूरी तरह डिश तैयार हो गई। जी हाँ, बिल्कुल तैयार हो गई है। जल्दी सी रेसिपी का रिकैप दे देती हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, एक पैन के अंदर बटर शामिल करना है 1 से 2 टेबलस्पून, उसके अंदर 1 टेबलस्पून फाइन चॉप्ड गार्लिक शामिल करना है। जैसे ही वो गोल्डन हो जाए, उसमें से खुशबू आने लग जाए, तो आपने उसके अंदर जो क्रीम थी, एक पूरा 250 ml का जो पैक होता है वो आपने शामिल कर देना है। उसके अंदर 2 टेबलस्पून लेमन जूस शामिल करना है, 1 teaspoon ओरिगैनो पाउडर, ओरिगैनो शामिल करना है। उसके अंदर जो है आपने स्पाइसी अगर करना है तो चिली फ्लेक्स ऐड कर दीजिए, दैट्स इट। इसको आपने मिक्स करना है। जैसे ही आप लेमन जूस ऐड करेंगे, वो क्रीम देखेंगे थोड़ी थिक होना शुरू हो जाएगी। जब वो थिक हो जाए तो उसके अंदर या तो आपने जो पास्ता जो जिसमें बॉयल करा है वो वाटर ऐड कर दीजिए, वरना आप मिल्क ऐड कर दीजिए, उसके अंदर जो जल्दी से स्पेगेटी शामिल करके मिक्स करें और लेमन जेस्ट के साथ इसको सर्व कर दीजिए। थैंक यू मशा मुनीसा, बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन और हज़रात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। द मॉर्निंग स्टार से रिलेटेड कोई भी आपके पास राय हो और हमारी जो अपडेट्स हो उसके लिए हमारा जो इंस्टाग्राम पेज है द मॉर्निंग स्टार TV1, उसको ज़रूर फॉलो कीजिए। हम उसके ऊपर वक्तन फवक्तन अपनी जो अपडेट्स हैं, अपने गेस्ट के अपडेट्स हैं, वो लगाते रहते हैं। हैव अ ग्रेट वीकेंड, अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। मंडे को इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, खुदा हाफ़िज़।